देखिए, आप आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे वो रेस्ट एपीआई आर्किटेक्चर होगा, ठीक। तो पहले तो हमें फोल्डर बना लेते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए, क्विज ऐप या प्रोजेक्ट कर देता हूँ, ठीक। अभी गिटहब पे नहीं पोस्ट करेंगे, थोड़ा सा कुछ काम कर लेंगे, उसके बाद से पोस्ट करना भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक। यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, मैं इसी डायरेक्टरी में विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने जा रहा हूँ, ठीक। ये जरूरी नहीं कि आपसे पूछे, विंडोज 11 पे जब भी विजुअल स्टूडियो कोड किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में ओपन करते हैं पूछता है भाई उस फोल्डर पे आप ट्रस्ट करते हैं कि नहीं, सिक्योरिटी रीजन होंगे आपने। अब टाइप स्क्रिप्ट से स्टार्ट करने वाले थे हम इस प्रोजेक्ट को, ठीक। तो हम कुछ कुछ स्टेप्स लेते हैं, शुरू करते हैं। टर्मिनल स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, हमको पता है कि हमको यार्न पे काम करना है, ठीक। तो और एक्सप्रेस जेएस यूज करेंगे, ठीक। पहली बात हम यार्न यूज करने वाले हैं, दूसरी बात एक्सप्रेस जेएस यानी कि जो फ्रेमवर्क जिस पे हम काम करेंगे, नोड पे हमारा सर्वर चलेगा। टाइप स्क्रिप्ट हम यूज करेंगे टाइप डेफिनेशंस के लिए, ठीक। इंटरनली वो फिर कंपाइल होकर के एक एक्सप्रेस और नोड की एक एप्लीकेशन ही बन जाएगी हमारे, ठीक। शुरू करते हैं। यार इनिट प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, हमने कहा भैया क्विज ऐप होगा। वर्जन कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन This is REST API for a quiz app. Entry point, अगर आपको index.js रखना है फाइल का नाम, आप index.js रख सकते हैं। मुझे app.js रखना है, मैंने चेंज कर दिया। रिपोजिटरी URL आज हमारे पास नहीं है, ठीक। तो अभी हम नहीं लिखेंगे, बाद में हम ला करके यहाँ पे एड कर देंगे। ऑथर मैंने अपना नाम डाल दिया, किसी और को अपना लिखना लिख सकता है। लाइसेंस प्राइवेट क्रिएटेड। ये package.json मिल गई, मतलब कि हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया है। क्विज ऐप से इसको कोई परेशानी है, ठीक है। क्विज ऐप बंद कर दिया, ठीक। अब ये परेशानी दिक्कत करती टाइप स्क्रिप्ट के टाइम में। अब टाइप स्क्रिप्ट चाहिए तो हमको पता है क्या करना है, हमें टाइप स्क्रिप्ट होनी चाहिए आपके पास, इंस्टॉल कर लीजिए उसको। अगर आप npm यूज करेंगे तो ये ऐड की जगह इंस्टॉल होगा, npm इंस्टॉल कर करके सारी चीजें हो जाएगी। टाइप स्क्रिप्ट आ गई, package.json में ऐड हो चुकी है, डिपेंडेंसी में दिख रही है हमको, ठीक। और क्या चाहिए हमको, सारी शुरुआत हमारी एक्सप्रेस से होगी। मैं यार ऐड एक्सप्रेस कर ले रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें जो हमें पता है हम पहले इंस्टॉल कर ले रहे हैं, रुक रुक के बार बार करने की क्या जरूरत है, ठीक। और क्या चाहिए, अब जब टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो गई है, अब आप tsc इनिट कर दीजिए ताकि ts config जनरेट हो जाए। ये ts config जनरेट हो गई है, इसमें हमने पिछली बार चेंजेस किए थे, आज पिछली वाली फाइल में से मैं चेंजेस यहाँ कॉपी नहीं करूंगा, मतलब ऐसा नहीं करूंगा कि मैं रिप्लेस कर दूं इस फाइल को, जैसे जैसे हमें जरूरत होगी हम अपना चेंजेस करते जाएंगे इसमें, ठीक। तो ये इतनी चीजें हो गई, इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक। यानी ये काम हमने कर लिया, ये काम कर लिया, टाइप स्क्रिप्ट को इनिशलाइज भी कर लिया है, ठीक। अब देखिए आगे जा करके हम क्या करने वाले हैं, हमने आपसे कहा था कि यूजर को मैं बाद में अलग सर्विस बना दूंगा, अलग सर्विस बना दूंगा, क्विज को एक अलग सर्विस बना दूंगा। मतलब ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी एप्लीकेशन है, लेकिन हमें ना करके देखना है कि सच में यूजर क्विज के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा अगर एक माइक्रो सर्विस सिस्टम हो तो, ठीक। तो हम ये लास्ट में करेंगे। हम क्या करेंगे ना, शुरू में तो मोनोलिथिक लेके चल रहे हैं, एक जगह पे दोनों होगा, बट हम आर्किटेक्चर ऐसा ही लेके चलेंगे कि बाद में हमें ये काम करने में परेशानी ना हो। और नॉर्मली अगर मोनोलिथिक सिस्टम की भी बात करेंगे, ठीक, जहां सारी चीजें एक जगह चल रही होती हैं, अलग अलग नहीं चल रही होती, तो भी अगर मुझे यूजर चाहिए तो इसका कंट्रोलर, इसका मॉडल, इसके राउट सब अलग होंगे। क्विज का कंट्रोलर, मॉडल, राउट सब अलग होंगे। ऐसे ही अगर एग्जाम का है, हम एग्जाम का अलग से बना लेंगे। ऐसी अगर रिपोर्ट का है, तो रिपोर्ट की सारी चीजें हम अलग से बनाएंगे। एक जगह पे भर के कोड कभी नहीं लिखते, मॉड्यूल्स में डिवाइड करते जाइए, जितना पॉसिबल हो, जितना फिजिबल हो, जितना पॉसिबल हो उतनी छोटी यूनिट बनाते हैं। ये शुरुआत की बात रही, ठीक। तो सबसे पहली चीज हमको क्या चाहिए, सबसे पहले तो हम app.js चला करके और देख लें कि हमारा सर्वर चल रहा है।
चलिए एप डॉट जेएस, डेटाबेस हम आज इंटीग्रेट नहीं करेंगे, ठीक। अब ये देखिए, ये एरर देना शुरू किया इसने। अब जो लोग शुरू से हैं उनको पता है, और हम बता भी दें कि अब ये टीएस फाइल सर्च कर रहा है और आप जेएस फाइल बना रहे हैं, इसलिए इसको परेशानी हो रही है। कह रहा है कि यहाँ पे एप डॉट जेएस नहीं होना चाहिए था, एप डॉट टीएस होना चाहिए था, इसलिए वो परेशान हो रहा है। प्लस कहाँ पे सर्च कर रहा है वो, कहाँ पे सर्च कर रहा है, याद होगा सोर्स डायरेक्टरी में सर्च कर रहा था वो, कहाँ पे सोर्स डायरेक्टरी में सर्च कर रहा था। कुछ इस तरीके से हम टीएस का कोड करेंगे ताकि टीएस का हमारा पूरा का पूरा कोड अलग हो, टीएस का पूरा कोड अलग हो हमारा, ठीक। यहाँ पे हम करना शुरू करेंगे काम अपना, ठीक। तो ये ऐप डॉट टीएस होगी, इसको कंपाइल करके इससे हम बनाएंगे ऐप डॉट जेएस, ठीक। चलिए शुरू करते हैं और साथ में बगल में इसको खोल लेते हैं ताकि जितनी एरर आती जाएंगी यहाँ से ठीक करेंगे। पहली बात ये देखिए, ये टारगेट क्या था, पढ़ लीजिए, सेट द जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज वर्जन फॉर एमिटेड जावा स्क्रिप्ट एंड इंक्लूड कंपैटिबिलिटी कंपैटिबल लाइब्रेरी डिक्लेरेशन। क्या चाहिए हमको, हमको ES6 चाहिए, हम ES5 में नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रॉमिस वगैरह सब यूज करेंगे, ठीक। हमने ES6 यहाँ पे भी ऐड कर दिया, ES6 भी ऐड कर सकते हैं, ES2015 भी ऐड कर सकते हैं, कंपैटिबल लाइब्रेरी डिक्लेरेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये बात हो गई। दूसरी बात कि जब मैं ये सोर्स कोड यहाँ लिखूंगा, जब मैं ये सोर्स कोड यहाँ लिखूंगा एप डॉट टी एस का, तो ये कंपाइल होके कहाँ जाएगा भाई, ये जब एमिट करेंगे जावा स्क्रिप्ट की फाइल तो कहाँ जाएगी, उसके लिए आउटपुट की डायरेक्टरी थी, रूट डायरेक्टरी, टाइप रूट्स, ये सब लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ये रही आउट फाइल और आउट डायरेक्टरी, ये रही आउट डायरेक्टरी, आपने कहा कि डिस्ट फोल्डर में चले जाना कंपाइल हो करके, ठीक। ये सारी चीजें पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, हाँ थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि जो आज से भी ज्वाइन करेगा कुछ मिस नहीं हो रहा है, मतलब पिछले वीडियोस बिल्कुल देखिएगा बट कुछ मिस नहीं हो रहा है ऐसा कि आपको आज का ना समझना है, ठीक। आउटपुट डायरेक्टरी, जब ये एप डॉट टी एस को आप ट्रांसपाइल करें, ट्रांसपाइल करेंगे क्यों, क्योंकि एप डॉट टी एस टाइप स्क्रिप्ट के कोड को एप डॉट जे एस में कन्वर्ट करेंगे, तो सोर्स कोड को सोर्स कोड में जो कन्वर्जन होता है वो ट्रांसपाइल करते हैं, कंपाइल नहीं करते, कंपाइल करेंगे तो मशीन कोड बनेगा, ठीक। और यहाँ पे हम मशीन कोड जावास्क्रिप्ट से डॉट जेएस से बनाएंगे, डॉट टीएस से नहीं बनाएंगे। तो ये हमने बता दिया कि भैया जब ये आउटपुट डायरेक्टरी होगी तो डिस्ट में ले जाके बना देना, ठीक। इतनी चीजें इसको समझा दी है, अगर समझा दी है यहाँ पे टीएस से लिख सकते हैं क्या, डिस्ट फोल्डर बना दिया इसने यहाँ ऊपर, और देखिए उसके अंदर एप डॉट जेएस बना दिया, दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक। ना कुछ था ना कुछ है, ये यूज स्ट्रिक्ट क्या है, स्ट्रिक्ट मोड में सारी चीजें होंगी। कहाँ से आया होगा, यहाँ नीचे यहाँ पे स्ट्रिक्ट ट्रू लिखा हुआ है, ठीक। स्ट्रिक्ट मोड को इनेबल रखेंगे क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट को तो इसीलिए लेके आ रहे हैं कि हम गलतियां ना करें, तो हम स्ट्रिक्ट मोड को टाइप स्क्रिप्ट लाने से पहले भी इनेबल करते थे नोड जेएस में, तो अब तो इनेबल रखना ही रखना है, ठीक। फिर आगे जा करके हम ये इम्प्लिसिट एनी को भी मतलब यहाँ से अनकमेंट कर देंगे ताकि हम इम्प्लिसिटली एनी कहीं ना पास हो। एक तो एनी टाइप है, आपने कहा कि भाई हम जिम्मेदारी लेते हैं किसी एक वेरिएबल का टाइप एनी हो, ठीक है आप लीजिए, तो आप वहां पे फोर्सफुली खुद जाके डॉट एनी लिखिएगा, ठीक, कॉलन एनी। इम्प्लिसिट एनी का मतलब है कि किसी का आप टाइप डिक्लेयर करना भूल गए जहां एनी आ रहा हो, तो वो दिक्कत है, तो ये भी हटाएंगे, ठीक। चलते हैं सर्वर बनाते हैं अपना। पहली बार अभी तक नोड जेएस में आप क्या सिंटेक्स लिखते थे वो नहीं लिखेंगे अब, ठीक। इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ये लिखेंगे अब, ठीक, ये लिखेंगे। पहले क्या लिखते थे, कुछ ऐसा लिखते थे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, पहले ये लिखते थे, याद होगा, ठीक। अब ये ऊपर वाला जो सिंटेक्स है ये लिखेंगे, एक्सप्रेस इज डिक्लेयर्ड बट इस वैल्यू नेवर रीड, भाई डिक्लेयर्ड है बट इसकी जो वैल्यू है वो कभी रीड नहीं हो रही है, ठीक। तो ये बहुत अच्छा है टाइप स्क्रिप्ट, आपको लगातार बताता मतलब अनयूज वेरिएबल वगैरह तो यही दिखा देगा आपको कि अनयूज है, ठीक। मैंने कहा ठीक है, कॉन्स्ट एप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, एक एप्लीकेशन बना ली एप डॉट लिसन,
3000 पोर्ट पर लिसन करेगा। ठीक, अभी ये सब क्यों आ रही, ये सब कब जाएगी, जो लोग टाइपस्क्रिप्ट के क्लास कर चुके हैं पता है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। कुड नॉट फाइंड डिक्लेरेशन फाइल फॉर मॉड्यूल एक्सप्रेस क्या है, सब पे अभी आएंगे। ठीक, तो अब ये पुरानी वाली जेएस थी, अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ, हमें हर बार डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप दिख जाएगा कि ये डिस्क फोल्डर और उसके अंदर का सारा कंटेंट ये अपने आप बना लेगा। वापस से टीएससी चला रहा है। ठीक, देख रहे होंगे एक एरर दे रहा है नीचे, ये क्या कह रहा है कि भाई इम्पोर्ट एक्सप्रेस फाउंड वन एरर, कि एक्सप्रेस को इम्पोर्ट करने में परेशानी हो रही है। सजेशन भी दे रहा है कि उसकी टाइप डेफिनेशन नहीं मौजूद है, टाइप डेफिनेशन नहीं मौजूद है। कह रहा डिक्लेयर करो मॉड्यूल एक्सप्रेस, ये डिक्लेयर करने के लिए अलग से डेफिनेशन फाइल्स भी बनाई जाती हैं, बट हमें देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं डेफिनेशन फाइल डॉट डी डॉट टी एस बनाइए और उसमें ले जाकर के इसको डिक्लेयर कीजिए और यहाँ पे लाके यूज कीजिए, बट हमें ये सब नहीं करना है। ठीक, हमें सीधे उसका टाइप इंस्टॉल करना है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एरर के बावजूद इसने कंपाइल कर दिया, तो इसने अगर ये ट्रांसपाइल करके जावास्क्रिप्ट जनरेट कर दिया है, तो अब अगर मैं चलाना चाहूं कि नोड डिस्ट एप डॉट जेएस, तो ये चलेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इसको एक्सप्रेस की डेफिनेशन मिली थी या नहीं मिली थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोड अगर जावास्क्रिप्ट में या कोई रिस्ट्रिक्शन होती नहीं, ये चलना शुरू कर देगा। आपको यहाँ रोकना पड़ेगा, इसको यहाँ रोकना पड़ेगा कि भाई अगर कोई एरर है, अगर कोई एरर है तो तुम्हें नहीं चलना है। ये कैसे आएगा, ये आएगा नो एमिट ऑन एरर, एमिट करो ही मत अगर एरर मिल जाए तो। मैं वापस से डिस्ट फोल्डर को डिलीट कर रहा हूं, ठीक, और वापस से कंपाइल कर रहा हूं। इस बार क्या हुआ, देखिए इस बार भी वही एरर आई जो पहले आ रही थी, वही सजेशन है हमारे पास, बट इस बार डिस्ट फोल्डर जनरेट नहीं हुआ है। ठीक, अब आपको एक्सप्रेस का टाइप इंस्टॉल करना है और सेम तरीके से नोड का भी टाइप इंस्टॉल करना पड़ेगा, टाइप डेफिनेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। हमने कहा ठीक है यार, एड और एट द रेट टाइप स्लैश एक्सप्रेस इंस्टॉल कर दिया। और क्या चीज चाहिए अभी हमें, बंद करके देखते हैं, ये एक्सप्रेस शुरू हो गई होगी। ठीक, आगे आप एक्सपोर्ट वगैरह करेंगे तो नोड के बहुत से सिंटेक्स यूज करेंगे, इसको मालूम होना चाहिए कि सर्वर आप किसका चला रहे हैं, नोड जेएस का चला रहे हैं। ठीक, एक बार ऊपर से नीचे तक इस फाइल को देख लेता हूं क्या क्या हमें जरूरत है। मॉड्यूल्स में रूट डायरेक्टरी बेस यूआरएल पाथ टाइप रूट्स अलाउ रिजॉल्व जेसन मॉड्यूल। अब अगर जैसे कोई जेसन फाइल वगैरह रख रहा होता है जो कंपाइल करता मैं, तो यहाँ पे रिजॉल्व जेसन मॉड्यूल को इनेबल करना पड़ता, ट्रू करना पड़ता। अलाउ जेएस, चेक जेएस, एमिट करते डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन एमिट, डिक्लेरेशन सोर्स मैप आउट फाइल, अभी इसमें से कुछ नहीं चाहिए। रिमूव कमेंट्स, कमेंट्स को एमिट करना रहेगा कि हटा देगा। नो एमिट इम्पोर्ट हेल्पर्स सोर्स मैप रूट इनिशलाइज एमिट न्यू लाइन no emit helpers declaration direct transfer session true no implicit any, एक तो ये हटा दे रहा हूँ no implicit any वाला, ताकि अगर कहीं पर any आ रहा होगा तो error दे। ठीक, और no implicit this always strip, चलिए देखते हैं धीरे धीरे एक एक चीज ऐड करेंगे इसमें। ठीक, तो यहां तक हो गया, इसमें कुछ बना लेते हैं। चलिए app डॉट यूज या एप डॉट गेट कर देता हूँ, पहला गेट मेथड बनाते हैं जो रिप्लाई करेगा जब भी आप होम को कॉल करेंगे। क्या क्या आता है तो हमको पता था कि भाई रिक्वेस्ट आता है, रिस्पॉन्स आता है, और जब ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमको मिल जाएगा तो हम रिक्वेस्ट में से अपना डेटा फेच कर लेते हैं और रिस्पॉन्स में से सेंड कर देते हैं। यहाँ तक की बात हमको पता थी, हम ज्यादा देर इस पे नहीं रुकेंगे, तुरंत ही मूव करेंगे अगली सर्विस पे। चला लेते हैं इसको नोड डिस्ट एप डॉट जेएस, क्रोम ओपन कर लेता हूं।
लोकल होस्ट 3000 आई हेलो हो गया है, इसका मतलब कि चल रहा है। बेहतरीन, यानी कि सर्वर हमारा रेडी है, काम कर रहा है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी पहली सर्विस, अपने पहले मॉड्यूल की जो हमें बनाना है। क्या है वो? वो है यूजर का मॉड्यूल, मतलब हमें यूजर के लिए, एक यूजर कैसे रजिस्टर करेगा, कैसे लॉग इन करेगा, ये सारी चीजें बना करके तैयार करेंगे। ठीक, तो उसकी तैयारी करते हैं। तीन चीजें चाहिए हमको। पहला, राउट चाहिए। सोर्स के अंदर ही सारा कोड करेंगे तो पहली चीज क्या चाहिए हमको? राउट चाहिए। हमने कहा एक राउट्स का फोल्डर बनाते हैं। हाँ, नेक्स्ट चीज हमको चाहिए कंट्रोलर का फोल्डर। तो हम ये सोर्स के अंदर यहाँ पे कंट्रोलर्स बना लेते हैं। ठीक, और क्या चाहिए होगा बाद में? यही सोर्स के अंदर मॉडल्स चाहिए होंगे। क्या होते हैं तीनों, इनके बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सी चीजें होती हैं, मेन यही तीनों चीजें हैं जो अभी चाहिए। तो सबसे पहली चीज है कंट्रोलर हमारे पास, और सॉरी दूसरी चीज ना पहली चीज नहीं पहली चीज है राउट्स। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट हमारे ऐप डॉट जेएस पे आएगी, रूट एंट्री पॉइंट ऐप डॉट जेएस यहाँ पे आएगी, तो ये किससे कनेक्टेड होगा ऐप डॉट जेएस? ये राउट्स से कनेक्टेड होगा। तो ये डिसाइड कर लेगा, जैसे उसमें लिखा हुआ है, मान लीजिए स्लैश यूजर या स्लैश क्विज, ये पैरामीटर पास करते हैं हम जब हम पाथ लिखते हैं, लो wxyz.com/quiz या स्लैश यूजर, उसके आगे डिसाइड करते हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये जैसे स्लैश यूजर वाले हैं, इन सबको उठा करके यूजर के राउट पे भेज देगा, यूजर के राउट पे भेज देगा। ठीक, अब क्या करेगा, ये सारी जितने में स्लैश यूजर लगा है सब यूजर पे आ गए, सब इस राउट पे आ गए। अब ये राउट डिसाइड करेगा कि भाई पोस्ट रिक्वेस्ट है तो हमें कहाँ भेजना है, गेट रिक्वेस्ट है तो हमें कहाँ भेजना है, पोस्ट पुट रिक्वेस्ट है तो हमें कहाँ भेजना है, या मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, पैच रिक्वेस्ट है तो हमें कहाँ भेजना है। गेट में या पोस्ट में कई टाइप की हो सकती है, पैच में कई टाइप की हो सकती है। तो वो टाइप कैसे डिसाइड होगा? वो टाइप कुछ ऐसे डिसाइड होगा कि स्लैश यूजर स्लैश रिजल्ट लिख दिया आपने, तो आपने कहा भैया यूजर का रिजल्ट चाहिए, स्लैश यूजर, और मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ थोड़ा सा ताकि मुझे जगह मिल जाए लिखने के लिए नीचे वाला। ठीक, स्लैश यूजर स्लैश रिजल्ट था, तो आपने कहा ठीक है रिजल्ट वाले पेज पे जाना, स्लैश यूजर स्लैश प्रोफाइल था, मान लीजिए प्रोफाइल लिखा हुआ था, राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, प्रोफाइल लिखा हुआ था, तो क्या होगा, आप उसको प्रोफाइल वाले पेज पे लेके जाएंगे, ठीक है यहाँ से तुमको हम प्रोफाइल का डेटा देंगे, यहाँ से हम तुमको रिजल्ट का डेटा देंगे। तो ये सारा काम, ये यूजर, ये जो एरो जा रही है कहाँ जाएंगे, ये कंट्रोलर की तरफ जाते हैं। ठीक, ये सारी चीजें, सारी कहानी जो होती है वो कंट्रोलर पर लिखी होती है। ठीक, राउट्स क्या करेगा, सिर्फ ये डिसाइड करेगा कि पोस्ट को कंट्रोलर के किस मेथड से कनेक्ट करना है, गेट को कंट्रोलर के किस मेथड से कनेक्ट करना है। हो सकता है आप एक से ज्यादा कंट्रोलर यूज कर रहे हो यूजर के लिए, भाई मेरा कंट्रोलर का कोड होते होते बहुत हैवी हो गया, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा पोस्ट वाली सारी रिक्वेस्ट अलग कंट्रोलर पे, पैच वाली अलग, भाई बहुत बड़ा कोड था, बांट दिया उनको भी। ठीक, अब इसके बाद क्या आता है कि जब आप कंट्रोलर पे पहुंच गए, एक फंक्शन आपने कॉल किया कंट्रोलर पर जहां पे कि काम हो रहा था। ठीक, अब ये कंट्रोलर किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो दरअसल अब कंट्रोलर पर यूजर का डेटा आया और उस डेटा को कहां लेके जाना था मुझे, डेटाबेस में लेकर के जाना था। तो कंट्रोलर या कोई भी डायरेक्ट डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, डेटाबेस के साथ जो इंटरेक्ट करता है वो होता है मॉडल। मॉडल ही डेटा सेव करेगा, मॉडल ही डेटा लाएगा, डेटाबेस के साथ सिर्फ यही इंटरेक्ट करेगा ताकि डेटाबेस सेफ रहे हमारा। ठीक, तो कंट्रोलर मॉडल के साथ इंटरेक्ट करेगा, कहेगा भाई डेटा आया है, ये ले जाके सेव कर देगा, वापस आ गया, ये इसको कंट्रोलर को देगा, ये उठाकर यूजर को भेज देगा, ये हुआ सारा काम। ठीक, अगले कुछ लेवल और ब्रेक होते हैं, पर इस प्रोजेक्ट में हम इसके आगे नहीं जाएंगे, बहुत जरूरत पड़ी तो हेल्पर वगैरह यूज कर लेंगे। ठीक, हेल्पर या यूटिल यूज करेंगे, ऑर्केस्ट्रेशन वगैरह की जरूरत इस पे हमें नहीं पड़ेगी, तो हम वो बाद में देखेंगे जब भी अगला कोई प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक, तो ये हम बना चुके हैं, अब हम आ गए कंट्रोलर पे। हमने कहा आज हम यूजर को टच करेंगे, तो
अब यूजर को बनाने जा रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि REST API के बारे में कुछ कुछ चीजें आपको बताता चलूं, और फिर हम एक यूजर का पेज या यूजर की चीजें क्रिएट करें। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, मैं ये फाइल खोल लेता हूँ वाट वाली, कि भैया वाट इज REST API, क्यों, क्या है इसका हाउ, इसका वाई, सॉरी वाई, क्या है, कैसे काम करेगी और क्यों है। ठीक, होता क्या है, जैसे आप कोई सर्विस बना रहे होते हो अपनी, या कोई चीज आप बना लेते हैं, जैसे व्हाट्सएप ने अपना एक पूरा मान लीजिए ग्रुप बना लिया है, अब बिजनेस अकाउंट दिया उसने, उसने आपसे कहा कि ठीक है हम ये डेटा देने के लिए आपको कि ग्रुप में कितने लोग एक्टिव हैं, कितने नहीं एक्टिव है, KPI दे रहे हैं, इसके थ्रू आप इंटरेक्ट कीजिए। API एक इंटरफेस बनेगा जो इंटरेक्ट करेगा। ठीक, तो जब हम यहाँ REST API बना रहे होते हैं, तो जो वो फ्रंट एंड का होगा, या जो मोबाइल की एप्लीकेशन बनाएगा, या कोई थर्ड पार्टी जो अपने बैकएंड से हमारे बैकएंड को कॉल करेगा, उसको ये मतलब नहीं है कि ये आर्किटेक्चर क्या है, कोड कहाँ रखा है, क्या लिखा है, उसको क्या मतलब है, उसको मतलब है हमारे एंड पॉइंट से, उसको मतलब है हमारे एंड पॉइंट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड पॉइंट के अंदर सारा कोड आपने किया, सारा कोड आपने किया, और फिर उसको मतलब होता है रिस्पॉन्स से। ठीक, क्योंकि इसी एंड पॉइंट पे वो अपनी रिक्वेस्ट भेजता है, और वो ये जानता है ये एंड पॉइंट क्या भेजेगा। ठीक, ये इससे नहीं मतलब है कि नीचे क्या चल रहा था, आपने क्या कोड किया, नहीं मतलब है। ठीक, ये एंड पॉइंट क्या लेगा और क्या देगा, वो बस इतना जानता है। तो इसका नेमिंग कन्वेंशन बहुत जरूरी होता है। लाइक अगर हम कोई डोमेन यूज कर रहे हैं, माई डोमेन मान लेते हैं, ठीक, अब यूजर है, आपने कहा यूजर, कितनी चीजें हो गई, और यहाँ पर जो ये मेथड्स बने हुए हैं गेट पोस्ट पुट बहुत काम आते हैं। ठीक, जैसे आपने कहा गेट, URL नहीं बदला, स्लैश यूजर ही है, कॉल सेम एंड पॉइंट हो रहा है, बट रिक्वेस्ट कौन सी आ रही है, गेट, इसका मतलब है कि गिव यूजर डिटेल। ठीक, इसी को हम यूज कर लेते हैं एडमिन को सारे यूजर की डिटेल देने के लिए। ठीक, इसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे आईडी आ गई, आईडी मतलब 1 2 3 4 जो भी यूजर आईडी है। अब अगर आईडी आ गई तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहां से हटा देता हूँ। ठीक है, कि आईडी लिख गई, अब आप क्या करेंगे, ये भी गेट थी, हमने कहा गिव दिस पर्टिकुलर यूजर डिटेल। देखिएगा एंड पॉइंट सेम होने का क्या फायदा है। फिर हमने कहा कि फिर से वापस से यही यूजर कॉल हुआ, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट थी। अब पोस्ट रिक्वेस्ट होगी तो डेटा आएगा, कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट में डेटा आएगा, इसको मान लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट डेटा लिख लेते हैं। ठीक, कि डेटा आया, तो अब हम समझ गए कि पोस्ट रिक्वेस्ट है, इसका मतलब है कि हमको यूजर क्रिएट करना है, यूजर क्रिएट करना है। फिर सेम चीज आई, लेकिन इस बार रिक्वेस्ट अलग थी, रिक्वेस्ट ने कहा हम पुट है, पुट रिक्वेस्ट है, और बॉडी में कुछ डेटा भी आ रहा है। ठीक, हम समझ गए कि अपडेट करना है यूजर की डिटेल। ठीक, फिर ऐसे ही मान लेते हैं पैच आ रहा है, स्लैश यूजर, आपकी पैच रिक्वेस्ट आई, तो हम क्या समझ जाएंगे, और कुछ बॉडी में डेटा भी दे रहे हैं। ठीक, तो हम समझ जाएंगे कि कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ माइनर सी चीज मॉडिफाई करना है, किसी फ्लैग की वैल्यू चेंज करना है मान लीजिए। फिर सेम कॉल किया आपने और कॉल कर दिया डिलीट से, ये सब HTTP के में ये सब मेथड्स हैं। ठीक, दिखाएंगे इनको भेज करके। अब आपने क्या भेजा, यहाँ पे हो सकता है आपने आईडी भेज दिया, जैसे भी लिख लीजिए यूजर आईडी। ठीक, डिलीट, तो अब हम समझ जाएंगे कि भैया इस यूजर को डिलीट करना है। ठीक, इस तरीके से एंड पॉइंट के नेम कायदे के होने चाहिए। अगर ये एंड पॉइंट के नेम कायदे के नहीं है, इससे जो हमारा यूजर है, जो हमारी API को यूज करने वाला कोई भी हो, उसको परेशानी होगी। ठीक, अब हम ये एक ही एंड पॉइंट पे आपने ये पैच गेट पुट की वजह से डिसीजन ले लिए सारे। ठीक, मतलब ये हम या आप नहीं ले रहे हैं, ये स्टैंडर्ड बने हुए हैं मार्केट के, कि पुट का मतलब अपडेट होता है, पोस्ट का मतलब क्रिएट होता है, कि रिसोर्स क्रिएट हुआ। और इसी तरीके से जब हम रिस्पॉन्स भेजेंगे, तो हम HTTP के स्टेटस कोड सेट करेंगे। जैसे आपने 404 देखा, कि भाई जब कोई URL हिट करते हैं और रिस्पॉन्स नहीं मिलना है। ठीक, तो ये एंड पॉइंट्स के नाम रखना सीखा हमने। ठीक,
इसके अलावा एरर्स का ध्यान रखना होगा हमें। ठीक, हम चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं, साथ साथ में देखते हैं और भी चीजें। ठीक, ये इतने देख लिए हमने क्योंकि ये हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक, तो अब हमें मॉडल्स हम आज नहीं बनाएंगे, कम से कम हम जब इतना कोड कर लेंगे कंट्रोलर पे कि हम मॉडल में कुछ सेव कर पाए, तो ये मॉडल यानी कि कल हम मंगूस के साथ कनेक्ट करेंगे इसको। ठीक, मिस मत करिएगा क्लास, मंगूस के साथ कल कनेक्ट करेंगे। ठीक, आज हम वहां तक पहुंचते हैं। तो वहां तक यानी इस कंट्रोलर तक डेटा पहुंचाने के लिए क्या करना है, पहली बात यूजर का राउट चाहिए होगा यहाँ पे हमको, यूजर का राउट चाहिए होगा मुझे यहाँ पे, और जितनी रिक्वेस्ट यहाँ पे आएंगी रीडायरेक्ट स्लैश यूजर टू यूजर, ये देखना है हमें कि ये काम हम कैसे करेंगे, कि जितनी यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही होंगी जिनमें स्लैश यूजर लगा होगा उनको लेके मुझे कहाँ जाना है, यूजर राउट पे। तो राउट्स के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे यूजर डॉट जेएस, राउट्स के अंदर है तो ये यूजर का राउट बन गया। यहां से क्या करना है, डिसाइड रिडायरेक्ट, रिडायरेक्ट रिक्वेस्ट टू पर्टिकुलर मेथड ऑन कंट्रोलर, ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट करेगा कंट्रोलर पे पर्टिकुलर मेथड पे जिस मेथड को कॉल होना है। ठीक, तो उसके लिए कंट्रोलर होना चाहिए, तो कंट्रोलर के अंदर भी मैंने बना लिया यूजर डॉट जेएस। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग तरीके से नाम रखे जाते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं। मॉडल हम कल बनाएंगे लेकिन हम फाइल अभी क्रिएट कर दे रहे हैं मॉडल की यूजर डॉट जेएस। तीनों में हमने यूजर डॉट जेएस बनाया, यानी कंट्रोलर पर हम क्या करेंगे, सेंड डेटा टू डेटाबेस, सेंड और रिसीव जो भी होगा, टू या फ्रॉम वाया मॉडल, तो यानी कि हमें ये मॉडल भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तीनों फाइल्स हमारे सामने है। ठीक, सबसे पहले हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं। एक्सपोर्ट कर देते हैं, कोई फाइल अपनी बना लेते हैं कॉन्स्ट। बहुत से तरीके हैं बनाने के, हमने अलग अलग क्लास में अलग अलग तरीके देखे हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट करिए या बनाने के बाद एक्सपोर्ट करिए, सब कुछ आपके ऊपर है। तो हमने कहा रजिस्टर यूजर, रजिस्टर यूजर का मतलब हो गया वो क्रिएट वाली फंक्शनैलिटी ही है, एक यूजर को आप जो क्रिएट करते हैं या रजिस्टर करते हैं एक ही बात है, रजिस्टर यूजर। ठीक, एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स होगा, एक नेक्स्ट फंक्शन भी होता है, कहीं यूज करते हैं कहीं नहीं यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल भी देख लेंगे इस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं। ठीक, तो एक यूजर रजिस्टर करना है, बाकी तो ये मॉडल के साथ इंटरेक्ट करेगा, बट अभी मैं यहाँ पे ऐसे कंसोल लॉक कर ले रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन डन, मतलब अगर यहाँ तक रिक्वेस्ट आ जा रही है तो मैं अभी के लिए मान लूंगा कि रजिस्ट्रेशन हो गया है मेरा, और यही मैं रिस्पॉन्स में भेज भी दूंगा। बहुत से तरीके हैं, रेस्पॉन्स डॉट जेसन ये भी वही काम करेगा हमारे लिए, अगर हम इसमें जेसन पास कर देंगे ले जा करके रेंडर कर देगा वहां पे। रेस्पॉन्स डॉट सेट हेडर कर सकते हैं, रेस्पॉन्स डॉट सेंड कर सकते हैं, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस सेट करेंगे, सारी चीजें कर करके देखेंगे, थोड़ा सा ये फ्लो तैयार कर लेंगे यूजर का, उसके बाद पहुंचेंगे उस पर। ठीक, तो ये कंट्रोलर पर एक फंक्शन है रजिस्टर यूजर, जहां से हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। हम धीरे धीरे सिंटेक्स को चेंज करेंगे, कुछ ज्यादा कर दिए थे। ठीक है, धीरे धीरे सिंटेक्स को चेंज करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन भी लगाएंगे और चेंज भी करेंगे। ठीक, राउट्स पे आते हैं, अब हम एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं तो हम एक्सप्रेस के राउट्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक्सप्रेस चाहिए, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ले लिया, राउट्स निकाल लें, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू, एक्सप्रेस का राउटर होता है
जैसे हम यहाँ पे ऐप डॉट यूज यूज कर रहे हैं हर जगह, या तो आप इस ऐप को यहाँ से पास करिए, यहाँ ले जा करके यूज करिए, या यहाँ राउटर बना लीजिए और उसको एक्सपोर्ट करके यहाँ ला के कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, एक्सप्रेस ने राउटिंग की फैसिलिटी आपको दे रखी है पूरी बनी बनाई। अब क्रिएट रजिस्टर यूजर वाला है, मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। हमने कहा ठीक है, राउटर डॉट पोस्ट, ठीक, कुछ नहीं बचेगा। दरअसल यहां से हम इसको रिडायरेक्ट करेंगे, अभी दिखाते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ स्लैश यूजर के बाद वाला पार्ट लिखते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से। ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, क्या होगा, स्लैश यूजर बस, ठीक, लास्ट वाला स्लैश काउंट नहीं किया जाता, इतना होगा, बाकी जो डेटा आएगा वो रहेगा। तो जो ये यूजर के बाद लिख रहे हैं यहाँ, बस वही लिखते हैं। ठीक, लाइन नंबर 6 पे यूजर के बाद जो लिखा हुआ है यहाँ लिखेंगे। ये यूजर कहाँ जाएगा, ये यूजर यहाँ लिख जाएगा, यहां लिखेंगे ऐप डॉट यूज स्लैश यूजर। ठीक, और अब यहां पर लिख दूंगा भैया यूजर राउट, अभी बना नहीं है इसलिए एरर दे रहा है, कोई बात नहीं, ये बन जाएगा। ठीक, तो ये राउट बना लिया हमने, और अब क्या करना है, अब कंट्रोलर चाहिए, कंट्रोलर का वो फंक्शन जो जहां रिडायरेक्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट कैमल कैसे यूज कर लेता हूँ, यूजर कंट्रोलर फ्रॉम कहाँ है ये, तो यहाँ अंदर राउट्स के अंदर था, एक डायरेक्टरी बाहर गए कंट्रोलर्स में, गए कंट्रोलर्स के अंदर यूजर पे गए, ये यहां से मिला हमको यूजर कंट्रोलर। ठीक, और मैं एक काम करूंगा, और मिस्टेक कर रहा था, सुधार रहा हूं मैं, सब डॉट जेएस बना रखा है, सबको डॉट टीएस कर रहा हूँ। ठीक, जो एरर आएगी देखा जाएगा, जेएस को टीएस कर रहा हूँ, ये जेएस राउट्स को टीएस कर रहा हूँ, सब सुधार लिया जाएगा। ठीक, नोड जेएस में कर रहे होते तो जावा स्क्रिप्ट की, टाइप स्क्रिप्ट में कर रहे हैं तो डॉट टीएस रहेगा। ठीक, और कोई मिस तो नहीं किया हमने, मॉडल भी चेंज कर दिया है, कंट्रोलर भी चेंज कर दिया, राउट्स भी चेंज कर दिया, और यहाँ पर भी चेंज कर दिया। ठीक, चलिए लिखते चलते हैं, सुधारेंगे सब कुछ। तो ये यूजर कंट्रोलर चाहिए, तो यूजर कंट्रोलर पर चलते हैं। यहां पर आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रजिस्टर यूजर, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रजिस्टर यूजर। ठीक, इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, एक्सपोर्ट्स कर देते हैं, तो ये रजिस्टर यूजर यहां से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, ये अभी जो ये सब एरर दे रहा है सब पे आएंगे धीरे धीरे, सबके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो ये रजिस्टर यूजर यहां से चाहिए है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दीजिए, रजिस्टर यूजर, क्या है कि आप चाहिए तो ये पूरी फाइल को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करिए, और डॉट लगा लगा करके ये यूजर कंट्रोलर डॉट फोल्डर का नाम, डॉट फंक्शन का नाम लिख सकते, बट आपके पास बेटर सिंटेक्स है कि आप डायरेक्ट उस फंक्शन को एक्सपोर्ट करिए, जितने बनाएंगे सारे फंक्शन एक्सपोर्ट करेंगे और यहां ला करके यूज करिए। ठीक, ये रजिस्टर यूजर को यहां लिख रहा हूं, यानी कि यहां से अब ये यूजर राउट भी चाहिए। ठीक, तो चाहिए है, जब भी कोई मॉड्यूल बाहर से एक्सेस करना है तो उसको एक्सपोर्ट करना है। ठीक, इसको भी ये राउटर ही है, सब कुछ इसी से कनेक्टेड है, तो सिर्फ आपको ये राउटर एक्सपोर्ट कर देना है बस, एक्सपोर्ट, और बाद में हम डिफॉल्ट यूज करेंगे इस पे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक, राउट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो यहां मिल जाएगा सीधे, सारा रिडायरेक्शन यही संभाल लेगा हमारे लिए, कोई फंक्शन नहीं है ये फंक्शन नहीं है, और हम यूज कौन सा कर रहे हैं, एक्सप्रेस राउट यूज कर रहे हैं, याद रखिएगा इस बात को। यहाँ यूजर राउट चाहिए, इसको भी यहाँ ले आते हैं, इंपोर्ट यूजर राउट फ्रॉम कहाँ है ये, राउट्स फोल्डर के अंदर यूजर, ये रहा, तो यहां से ये यूजर राउट मिल गया हमें। यहां जितने स्लैश यूजर आएंगे वो रिडायरेक्ट होके कहाँ जाएंगे, ये राउट्स पे, इसमें अभी हमने पोस्ट स्लैश यूजर के लिए बनाया हुआ है, अब आप समझ गए होंगे ये जितना पार्ट ये स्लैश यूजर था ये यहाँ यूज हो चुका है, तो उसके बाद वाला पार्ट बचता है वो यहाँ यूज करते हैं, यानी सिर्फ ये वाला स्लैश यहाँ लिखेंगे लास्ट वाला, इसीलिए मैंने यहाँ लिख के दिखाया है, ऐसा कुछ लिख के भेजते नहीं है।
फिर ये कहाँ भेज देगा इसको, जितनी डिटेल आएगी बिना सोचे समझे उनको उठा के यहाँ भेज देगा रजिस्टर यूजर में। ठीक, हम इसको कंपाइल करके चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक, इतने तक बात समझ में आ रही होगी। हम फिर से एक बार इसको रिवाइज करवाते हैं। हमने क्या किया है, हमने एक एक्सप्रेस लिया है, एक्सप्रेस से क्या किया, एक एप्लीकेशन इनिशियलाइज किया है यहाँ पे। ये एप्लीकेशन इनिशियलाइज किया और यहाँ पर लिसन किया तो इससे सर्वर स्टार्ट हो गया। ठीक, इससे सर्वर स्टार्ट हो गया। फिर हमने क्या किया है, फिर हमने कुछ ऐसा किया है कि यहाँ राउट्स को इंक्लूड कर लिया है, राउट मॉड्यूल को। ठीक, तो जितनी चीजें राउट्स स्लैश यूजर आएंगे, ऐसे ही आप आगे स्लैश क्विज स्लैश एग्जाम सबके लिए काम करें। स्लैश यूजर जहां भी लगा होगा जितने पाथ में, उनको यूजर राउट पे रिडायरेक्ट कर दिया और यहाँ यूजर राउट को इम्पोर्ट कर लिया है। ठीक, स्लैश राउट स्लैश यूजर से स्लैश राउट स्लैश यूजर जो फाइल बनी हुई है वो ये रही। ठीक, और बनाया कैसे है उसको, एक्सप्रेस राउट का यूज करके। चलते हैं उस फाइल पे। अब ये आ गए इस फाइल, यहाँ हमने एक्सप्रेस लिया है। ठीक, एक्सप्रेस से एक एक्सप्रेस राउटर क्रिएट किया है और उसी राउटर से आगे भी अपने सारे पाथ को यूं ही कनेक्ट करते जाएंगे। तो पहला रूट का पाथ है, किसके, यूजर के बाद रूट, स्लैश यूजर के बाद स्लैश रूट। ठीक, स्लैश को रूट बोल सकते हैं। इसको हमने कहा एक रजिस्टर यूजर फंक्शन पे रिडायरेक्ट किया जो कि इस कंट्रोलर पर है, यूजर कंट्रोलर पर है। अब यहां से कहां चला जाएगा डेटा लेकर के, इस यूजर कंट्रोलर पर चला जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अपने यूजर कंट्रोलर पर इसको क्लियर करके। ये आ गए यूजर कंट्रोलर पर। यूजर कंट्रोलर पर ये फंक्शन बनाया है हमने जो कि वहां पर इंपोर्ट हो रहा था और उस फंक्शन को यहाँ एक्सपोर्ट कर दिया। फंक्शन के अंदर हमने एक कंसोल लॉग का स्टेटमेंट लिखा है और एक रिस्पॉन्स डॉट सेंड का लिखा हुआ है। अभी ये हमें थोड़ा अलग कलर में दिख रहा है, प्रॉब्लम आ रही इसको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के टाइप से, बट हम उस पर अभी आएंगे थोड़ी सी देर में। ठीक, हम इसको भी क्लियर करते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखते हैं इसको चलाकर। ठीक, अभी क्या करेगा ये देगा हमको एरर। ठीक, ये डिस्ट फोल्डर नहीं बनाएगा अब नया, ये पुराना वाला डिलीट करो। देख रहा हूँ उसमें सिर्फ एप डॉट जेएस कुछ भी नहीं, पुराना वाला फोल्डर है, अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ, बाद में बार बार इसको डिलीट नहीं करेंगे। क्लियर कर दिया। क्या कह रहा है ये, इम्प्लिसिटली हैज एन एनी टाइप। और हमें और आपको दोनों को याद है कि कॉन्फ़िगरेशन में हम ये चेंज करके आ गए हैं कि भाई कोई भी इम्प्लिसिटली एनी नहीं हो सकता है। या तो अब मैं यहाँ जबरदस्ती जाऊं और इसको कहूं कि भाई एनी, एक्सप्लिसिटली कह दिया कि तुम जो चाहे भेजो हमको फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, बट अब चल जाएगा, बट अब चल जाएगा। ठीक, बट हमें ऐसा कभी भी नहीं करना है, कभी भी ऐसी गलती नहीं करना है कि अपने हाथ से बिना सोचे समझे कहीं पे एनी लगा देंगे। तो अब इनका क्या टाइप होगा, तो हमको पता है एक्सप्रेस की रिक्वेस्ट है और एक्सप्रेस का रिस्पॉन्स है, सब कुछ एक्सप्रेस पे चल रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको लिखना है इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। काफी देर से ये काम हम कर ही रहे थे, हमने लिख लिया, यहां से इसको कॉपी किया। हम आगे जाकर के सिंटेक्स को और चेंज करेंगे, एक्सप्रेस डॉट रिक्वेस्ट करा और इधर इसका टाइप क्या लिख दिया, एक्सप्रेस डॉट रिस्पॉन्स कर दिया। ठीक, और अगर आप नेक्स्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक, क्यों यूज होता है पता चल जाएगा थोड़ी दिन में, तो यहाँ पर लिख दिया एक्सप्रेस डॉट, इसमें आ गया नेक्स्ट फंक्शन, तो ये भी आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या और बेहतर तरीके से लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि एक्सप्रेस का कोई यूज नहीं है, इस रिक्वेस्ट का, इस रिस्पॉन्स का, इस नेक्स्ट फंक्शन का यूज है, यहाँ पे हम एक्सप्रेस की जगह सीधे इस रिक्वेस्ट। अब आपको समझ में आ जाएगा क्यों डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों डायरेक्ट ले सकते हैं और नेक्स्ट फंक्शन को डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेंगे। हम फिर इस एक्सप्रेस के थ्रू क्यों लिखे बार बार में, और ये जो एक्सप्रेस लिखा हुआ है ये मैं हटा दूंगा। तो अब इनका टाइप डायरेक्ट, ये रिक्वेस्ट, ये रिस्पॉन्स और ये नेक्स्ट फंक्शन बन जाएगा। ठीक,
तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी इंपोर्ट कर सकते हैं चीजें किसी फाइल से, या अब आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमें एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है, एक्सप्रेस के थ्रू लिखना है तो भी लिख सकते हैं। अब भी ये क्या है, एक्सप्रेस की रिक्वेस्ट ही है, ठीक, कुछ और नहीं है ये। अब हम चलते हैं और इसको अब कंपाइल करके देखते हैं कि अब कंपाइल होगा या नहीं। बेहतरीन, इसने कंपाइल करके हमारे लिए एक सर्वर बनाया है, चला करके देखते हैं। नोड डिस्ट फोल्डर के अंदर एप डॉट जेएस। टाइप स्क्रिप्ट का फायदा ये कि अगर आप धोखे से भी कहीं एरर आ गई है, बहुत तरीका से दिखेगी, फाइल रेड कलर की दिख रही होगी, एरर दे रहा होगा, सब कुछ दिखेगा। बट अब मुद्दे की बात जो है वो ये है कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, और पोस्ट रिक्वेस्ट डायरेक्टली आप हिट नहीं कर सकते हैं ब्राउजर से। ब्राउजर से आप गेट रिक्वेस्ट हिट कर सकते हैं, या तो फिर आप HTML का पूरा फॉर्म बनाएंगे पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए, या फिर हमारे पास एक टूल है, इसको नहीं पता होगा और बाद में देख सकता है, उसके वीडियो का लिंक दे दूंगा, या सर्च भी कर सकते हैं पोस्टमैन, आसान सी चीज है, काफी कुछ है इसमें एक्सप्लोर करने के लिए पोस्टमैन में। बंद कर रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक। और एक लोकल होस्ट 3000 पे यूजर भेजता हूँ बस। क्या भेजना है, पोस्ट भेजना है यहाँ से। अगर गेट भेजेंगे तो खफा हो जाएगा, क्या कहेगा, कैन नॉट गेट यूजर, ऐसा कोई पाथ नहीं है। कौन सी भेजना है, पोस्ट। ये सारी रिक्वेस्ट अलग अलग हैं, हम ये ऊपर वाली चार पांच यूज करके देखेंगे, ठीक। रजिस्ट्रेशन डन, यहाँ भी मैसेज आ गया और यहाँ भी प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने कंसोल लॉग भी किया था, कंसोल लॉग भी किया था और रिस्पॉन्स डॉट सेंड भी किया था, इसने सेंड कर दिया और इसने प्रिंट कर दिया वहां पे। एक चीज और, जब ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा ही रहे हैं तो बट ऑब्वियस है यहाँ से आप बॉडी में डेटा भेजेंगे। बहुत से तरीके हैं, फॉर्म डेटा भेज सकते हैं की वैल्यू पेयर में, ठीक, URL encoded डेटा भेज सकते हैं, रॉ डेटा भेज सकते हैं, GraphQL यूज कर सकते हैं, हजारों चीजें हैं, रॉ डेटा भेज सकते हैं, जेसन भेज सकते हैं, सब कुछ है। तो ये एक्सप्लोर करना आपके ऊपर है, या हम कभी दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। इन जनरल जो स्टैंडर्ड पैटर्न यूज होता है वो जेसन डेटा का यूज होता है, यहाँ रॉ बॉडी में जेसन डेटा का हम वही यूज करेंगे अभी, ठीक। तो हमने कहा भाई इसका नाम जेसन डेटा है, हमने कहा इसका नाम जो है वो है साहिल, ठीक, ईमेल जो है वो है sahil@gmail.com, और क्या था, पासवर्ड था, ये था पासवर्ड। अब पासवर्ड से याद आया, आगे जा करके हम देखेंगे कि पासवर्ड को किस तरीके से मैनेज करना है, मतलब अगर डेटाबेस में रख रहे हैं तो कैसे रखेंगे कि जो डेटाबेस यूज कर रहा हो, एक्सेस कर रहा हो, वो इस पासवर्ड को ना पाए, ठीक। तो हमने एक आइडिया लगाया था कि भाई Base64 कर देंगे, तो देखेंगे कि वो क्यों फेल हो जाएगा Base64 इनकोडिंग, ठीक। तो हो गया, नाम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, भेज देते हैं यहाँ से, ठीक, भेज दिया। तो मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे कैसे कैसे एक्सेस करेंगे, तो हमने कहा ठीक है, जब बॉडी में भेज रहे हैं वहां से लिख के भेज रहे बॉडी में, हमने कहा बस यहीं पे कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो आ रहा होगा दिख जाएगा हमको, सर्वर रिस्टार्ट कर दे रहे हैं। कल हम इस सर्वर को रिस्टार्ट से भी निजात पा लेंगे, नोडेमॉन टेक्स्ट यूज करेंगे और कॉन्फ़िगर कर लेंगे कल इस पे, और यहाँ से इसको भेज दिया, सब कुछ सही था। ये क्या हुआ, कुछ आया नहीं क्या, अच्छा कंसोल डॉट लॉग हियर, अब पता चल जाएगा बॉडी बीच में लिखा हुआ है भैया, आप चल रहा है कि नहीं चल रहा है कोड, कंपाइल करना भूल गए, ठीक, कंपाइल भी कर दिया, फिर से चला दिया, चला दिया, क्या हुआ, हियर, ये तो ठीक है, मैसेज आ गया, पिछली बार कंपाइल नहीं किया था भूल गए, ठीक। और ये अनडिफाइंड क्या है, बॉडी में जो डेटा भेजा था वो कहाँ गया। दरअसल आप अगर URL में डेटा भेज, सॉरी URL इनकोडेड डेटा भेज रहे हैं तो आपको पार्स करना है, पैरामीटर्स और क्वेरी के अलावा जहां भी भेज रहे हैं आपको उसको पार्स करना पड़ेगा, ठीक। तो अब आपको पार्स नहीं करना है, ये भी जिम्मेदारी एक्सप्रेस ने उठा ली है आपके लिए, ठीक।
ठीक, पहले बॉडी पार्सर अलग से आता था, कभी काम करते वक्त अगर कोड में बॉडी पार्सर नाम की चीज मिले तो वो इसी बॉडी पार्सिंग के लिए यूज होता था, डेप्रिकेटेड है, और अब हम यूज नहीं करते, हम डायरेक्ट एक्सप्रेस से पार्स कर लेते हैं। कुछ काम जो एक्सप्रेस करता था वो अब दूसरे लोग कर रहे हैं, और कुछ दूसरे लोगों के काम की जिम्मेदारी इसने उठा ली। एप डॉट यूज, मिडिलवेयर लगा सकते हैं सारे यहाँ बीच में, नेक एक्सप्रेस डॉट जेसन, क्योंकि हम डेटा जेसन भेज रहे हैं, यूआरएल इनकोडेड भेजेंगे तो वो लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक, बाद में लिख करके देखेंगे, अभी का जेसन डेटा है ये, जेसन पास कर देते हैं यहाँ। कंपाइल करना नहीं भूलेंगे इस बार हम लोग, कंपाइल कर दिया, चला भी देते हैं। रन कर दिया, अब यहाँ मैसेज वगैरह भी हमने नहीं लगाया कि लिसन करते हो प्रिंट कर, इसलिए हम लोग को यहाँ पता नहीं चल रहा है, वो सब कुछ करेंगे। रजिस्ट्रेशन डन, और ये देखिए नेम साहिल, ईमेल और पासवर्ड, तीनों चीजें यहाँ कंट्रोलर पे पहुंच गई हैं, बस यहीं से अब मॉडल में सेव करेंगे, टू मॉडल, मॉडल को भेजेंगे और मॉडल ले जा करके डेटाबेस में सेव कर देगा। तो ये एप डॉट टी एस रही हमारी, जहां से हम रिडायरेक्ट होकर के यूजर डॉट टी एस पे जाएंगे, और ये रीरूट कर देगा कंट्रोलर पर, यूजर डॉट टी एस इस कंट्रोलर पर रीरूट करेगा यूजर के, और ये मॉडल है जिसमें अभी हमने कुछ किया नहीं है। ठीक, तो हम एक बार इसको चला करके देख लेते हैं वापस से। यहाँ हमने ये जो पैकेज डॉट जेसन है, इसमें हम एक यहाँ पे अभी हमने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं बनाई है। ठीक, अभी क्या करना पड़ रहा है, हमको बार बार यहाँ से जाना पड़ रहा है और ये स्क्रिप्ट यहाँ से चलानी पड़ रही है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि हम इसको कॉपी कर लें यहाँ से, यहाँ पर स्क्रिप्ट्स लगा लेते, स्क्रिप्ट्स, और इस स्क्रिप्ट्स के अंदर यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं, मतलब जो भी नाम दे दीजिए, बिल्ड करने वाले हैं, बिल्ड का नाम दे दिया और ये यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हमें बार बार इसको चेक नहीं करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे फिक्स कमांड होगी, यार्न बिल्ड, अब ये कंपाइल कर देगा और हमारे लिए डिस्ट फोल्डर बना देगा। ठीक, एक स्क्रिप्ट ये ऐड कर ली हमने अभी के लिए, और एक ऐड कर देते हैं स्टार्ट, ये स्टार्ट वाली स्क्रिप्ट ऐसे ही रहेगी यहाँ पे भी, और जब लाइव पे जाते हैं तो प्रोडक्शन पे समझ जाइए कि यही स्क्रिप्ट आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी। हमको पता है कि नोड और किस फोल्डर में है हमारा सब कुछ, डिस्ट स्लैश एप डॉट स्पेस। अब अभी तो मैं यहाँ इसको इस तरीके से लिख दे रहा हूं, लेकिन अब हो सकता है कि आप इस सोर्स कोड को नहीं होस्ट करेंगे, आप सिर्फ ये डिस्ट वाला पार्ट होस्ट करेंगे, तो जब होस्ट कर रहे होंगे उस टाइम पे आप अगर ये डिस्ट के अंदर वाला कोड अलग से निकाल के होस्ट करेंगे तो फिर आपको ये कमांड जो है चेंज करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा कि ये नोड के बाद आपको ये पाथ, जहां पे भी आपका एप डॉट जेस है उसका पूरा पाथ लिखेंगे, और अगर उसी फोल्डर में सेम जगह पर पड़ा हुआ है जहाँ पैकेज डॉट जेसन है, क्योंकि ये फाइल पैकेज डॉट जेसन है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप डायरेक्ट एप डॉट जेस लिखें। ठीक, हम लास्ट में जब होस्ट करेंगे तो अगर कोई याद दिलाएगा तो हम दोनों क्राइटेरिया यूज करके देख लेंगे दोनों तरीके से। तो अब यार्न स्टार्ट एक और स्क्रिप्ट है हमारे पास जो स्टार्ट कर देगी इसको, और हमें क्या चाहिए, पोस्टमैन चाहिए, हम पोस्टमैन स्टार्ट कर लेते हैं और हिट करके देख लेते हैं उससे। स्टार्ट हो गया, कल हमने ये एपीआई हिट करी थी, इसी एपीआई को हिट कर देते हैं, देखते क्या रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स आ गया रजिस्ट्रेशन डन, बॉडी में हमने कुछ भेजा हुआ था, और ये रहा रजिस्ट्रेशन डन, और ये बॉडी आ गई। ठीक, अब आज अगली चीज हम क्या करने वाले हैं, यहां तक हम करके देख चुके हैं, ये फाइल हमने बनाई थी, अलग अलग रिक्वेस्ट के बारे में बताया था उसने, और आज हम क्या क्या करेंगे। तो अब सबसे पहले कि ये जो यूजर का डेटा आ रहा है उसको इस मॉडल के थ्रू डेटाबेस में सेव करना है हमें। ठीक, तो सबसे पहली चीज कि भाई हमारे पास मोंगो डीबी पे हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इसकी। तो अब आप इसको ऑफलाइन इंस्टॉल कर लीजिए या हम ऑनलाइन यूज कर लें। तो अगर किसी को स्पेशली ऑफलाइन करना होगा बताएगा, इंस्टॉलेशन बता दूंगा, बट हम ऑनलाइन ही यूज करेंगे। ठीक, दूसरी बात, क्योंकि आप जब
होस्ट भी करेंगे तो कोई ना कोई ऑनलाइन जगह पे आपको चाहिए होगा, और फ्री है, डेवलपमेंट पर्पज से आराम से यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो हमको क्या चाहिए, मंगूस चाहिए। मंगूस क्यों चाहिए, ये ODM है, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मॉडलिंग। क्या करेगा हमारे लिए, हम MongoDB के साथ सारा स्ट्रगल हम नहीं करेंगे, हम वाया मंगूस काम करेंगे। तो अब हमें क्या होगा कि हमको इंसर्ट की और हर चीज की क्वेरीज लिख लिख करके अलग से नहीं चलानी पड़ेगी, एग्रीगेट फंक्शन के लिए हमें चलाना पड़ेगा। अब ये क्या है एग्रीगेट फंक्शन, कि अगर एग्रीगेट फंक्शन की बात आएगी यूज भी करेंगे, क्या है, इंसर्ट कैसे करना है, सारी चीजें पूरा MongoDB पढ़ा चुका हूँ, लिंक दे दूंगा, सब मौजूद है। ठीक, फिर आ जाते हैं मंगूस पे, यहाँ से इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, हम रा फॉर्मेट में MongoDB ला के यूज नहीं करेंगे, अलग से अगर देखना होगा देख लेंगे, यहाँ पे हम मंगूस के थ्रू यूज करेंगे। तो अगली चीज हमें क्या चाहिए होगी, मंगूस चाहिए होगा, वाया मंगूस यूज करेंगे। तो नोड जे एस को MongoDB से, भले वाया मंगूज यूज करिए चाहे वाया MongoDB यूज करिए, कनेक्ट करने के लिए जो चीज चाहिए उसको बोलते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। क्या है ये कनेक्शन स्ट्रिंग, क्या होती है कनेक्शन स्ट्रिंग भाई, ये आप हमारा ये चल रहा है यहाँ पर, यहाँ पे हमारा सर्वर है, ये सर्वर है। ठीक, इधर हमारा डेटाबेस यहाँ रखा हुआ है, एक साथ नहीं है, दोनों अलग अलग जगह पर है। जहां पे ये सर्वर चल रहा होगा, ऐसा तो नहीं कि वहीं पे डेटाबेस रखे होंगे वहीं चला रहे होंगे, कहीं और होगा। तो ये किस जगह पर है, इसका कोई ना कोई एक एड्रेस होगा। ठीक, फिर डेटाबेस अगर किसी को ये एड्रेस मिल भी जाए तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे इसका यूजर नेम होगा, इसका यूजर नेम होगा, इसका पासवर्ड होगा। ठीक, क्योंकि जहां पे ये होस्ट है हो सकता है आप मल्टीपल डेटाबेसेस हो, तो हर डेटाबेस का हो सकता है आप अलग अलग यूजर नेम और पासवर्ड बनाए, बहुत सी कॉम्बिनेशन हो सकती है। तो ये सारी डिटेल्स, पोर्ट, एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस का नाम, सब कुछ मिला करके जो स्ट्रिंग बनती है जिसमें ये सारी डिटेल होती है, वही कनेक्शन स्ट्रिंग है। इसी की मदद से हम कनेक्ट होंगे, बाकी हम मंगूज लाइब्रेरी यूज करेंगे तो बाकी सारा काम वो संभाल लेगी MongoDB की लाइब्रेरी। मंगूज यूज करेंगे जो इंटरनली MongoDB को यूज करेगी और इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज करके यहाँ से जाके कनेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें ये कनेक्शन वाला सारा काम कर लेना है। कनेक्शन वाला काम करने के बाद फिर हम आएंगे यहाँ पर और कनेक्ट करेंगे, मॉडल बनाएंगे। नेक्स्ट चीज क्या बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे ताकि हम डेटाबेस में डिटेल भेज पाए। ठीक, मैं ड्राइंग क्लियर कर रहा हूँ सारी, चलते हैं MongoDB। MongoDB का पूरा लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, चलते हैं फिर। और या नहीं, देखिए मैंने जीमेल से लॉगिन कर रखा है अपने। ठीक, हम इस पे चलते हैं MongoDB.com। अगर आप नहीं होगा तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर जा करके अपना ईमेल एड्रेस डाल करके रजिस्टर कर सकते हैं, या गूगल अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं। मैं गूगल अकाउंट से लॉग इन करूंगा अपने, मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ उसको, पढ़ाया था अभी पिछली क्लास में, मतलब इससे पहले MongoDB की क्लास ले चुका हूँ पूरी। कोई डाउट हो तो बताइएगा उसके अलावा। तो ये हमने एक डेटाबेस बनाया हुआ। ठीक, तो मैं अब आज डेटाबेस नहीं बनाऊंगा, मैं सीधे कनेक्शन स्ट्रिंग लूंगा यहाँ से। ठीक, जब कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर रहे हैं तो पूछता है शेल से यूज करना है, एप्लीकेशन से यूज करना है, या कंपास से यूज करना है। आज हमको इस एप्लीकेशन से यूज करना है। ठीक, ये मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, इसको बंद कर दे रहा हूँ। ले चलते हैं इसको अपने कोड में, यहाँ ले आते हैं, और यहाँ पे मान लेता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए कि एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, कॉन्स्ट कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू, और यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक, तो ये हमें एक कनेक्शन स्ट्रिंग मिल गई जिसमें यहाँ पे पासवर्ड चाहिए। अभी के लिए, अब वीडियो लेक्चर है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे न्यू पास लिख रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ हमने ये कनेक्शन स्ट्रिंग पेस्ट कर ली। ये मोंगो क्लास जो है ये मेरा यूजर नेम है, ये न्यू पास जो है ये मेरा पासवर्ड है, ये एक URL है, और यहाँ पर हमारा डेटाबेस है। तो अभी मान लेता हूँ कि वो जो MongoDB.com पर यहाँ पर हम गए थे, क्लस्टर बना हुआ था जो पूरा हमारा, ये क्लस्टर बना हुआ है, इसके अंदर हम डेटाबेस भी नया क्रिएट करें। ठीक, तो
हमें यहाँ से सिर्फ ये क्लस्टर क्रिएट करके कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, यहाँ से जाएंगे ये क्रिएट क्लस्टर पे जाके क्लस्टर क्रिएट करेंगे, सिर्फ क्लस्टर क्रिएट करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे वो अलग, ठीक है। ठीक, क्लस्टर क्रिएट करने के बाद वो कनेक्शन स्ट्रिंग जो कॉपी की थी बस उतना सा प्रोसेस है। ठीक, ना अभी उसमें कोई डेटाबेस है हमारा, एकदम फ्रेश बना करके तैयार करें, मतलब इसमें कई डेटाबेसेस चल रहे हैं इस क्लस्टर पे, बट अभी वाला डेटाबेस हम नया तैयार करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो माय फर्स्ट डेटाबेस है इसका नाम बदल देंगे। तो मैं कर दूं इसको वर्कशॉप, वर्कशॉप डीबी कर दूं, इस नाम से हमारा डेटाबेस बन जाएगा। तो हमें दो दो चीजें ही एंटर करनी पड़ी, एक अपना पासवर्ड और एक ये वर्कशॉप डीबी। ठीक, इसको लेकर के कोई ट्राई नहीं करेगा, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को लेकर नहीं ट्राई करेंगे, अपनी अलग से बनाएंगे। ठीक, चलिए ये कनेक्शन स्ट्रिंग मिल गई। अब क्या बात हुई थी, मंगूस चाहिए, तो इसको ब्रेक कर देता हूं, यार एड मंगूस, मंगूस इंस्टॉल कर लेता हूं। ठीक, तो ये मंगूस इंस्टॉल हो गया है, यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट मंगूस फ्रॉम मंगूस, ये डॉट और स्लैश नहीं लगेगा, ठीक है, लाइब्रेरी है जैसे एक्सप्रेस है। और जब भी ये फाइल वगैरह बनाएंगे तो थोड़ा ख्याल रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ एक्सप्रेस यूज किया है, मंगूज यूज किया है, ये लाइब्रेरीज हैं जो हम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं। ये जैसे यूजर राउट हुआ, ये मेरा राउट है, या वो मॉड्यूल्स इम्पोर्ट करेंगे जो हमने बनाए हैं, तो किसी भी एक सिक्वेंस को फॉलो करेंगे, कंपनी में जो फॉलो होती है वो करेंगे। अगर अपने पास भी कर रहे हैं तो जैसे मैं क्या करूंगा कि जो मेरी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज उनको ऊपर रखूंगा, उसके बाद स्पेस दूंगा एक, एंटर मारूंगा, और उसके बाद से फिर जितने मेरे मॉड्यूल्स होंगे जो मैं बनाऊंगा उनको इम्पोर्ट करूंगा। तो आपको भी अपनी कोई ना कोई एक सीक्वेंस बनाना है, ठीक, जो अपने लिए होगी, वही कंपनी में कोई ना कोई एक प्रोटोकॉल फॉलो होती है, एक दो मॉड्यूल देखेंगे उनका, पेज देखेंगे, फाइल, आइडिया लग जाएगा, और हमेशा किसी एक प्रोटोकॉल को जरूर फॉलो करें। चलते हैं इस मंगूस को लेकर के और कनेक्ट कर, मंगूस डॉट कनेक्ट। क्या चाहिए इसको, URL स्ट्रिंग चाहिए, तो ये रही स्ट्रिंग मेरी, स्ट्रिंग दे दी। और क्या चाहिए, कॉल बैक फंक्शन चाहिए, जब कनेक्ट हो जाए तो कॉल बैक फंक्शन आएगा। हमने कहा ठीक है, एक कॉल बैक फंक्शन दे दिया। ठीक, कॉल बैक फंक्शन में क्या है, कॉल बैक फंक्शन के अंदर ये कॉल बैक विदाउट रिजल्ट, ठीक, कॉल बैक विदाउट रिजल्ट वर्ड, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक, बाकी एरर देगा अगर एरर आया तो। चलते हैं यहाँ अंदर, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कई चीजें, अभी आएंगे यहाँ पे, तब तक मैं यहाँ कंसोल लॉक कर रहा हूँ ताकि आप देखते चलें उस चीज को कि क्या है, ये एरर को लॉक कर दे रहा हूँ। और याद रखिएगा कि ये जो एप डॉट लिसन है अभी बाहर है हमारा, ठीक, और हम वापस से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। चलते हैं, यार ने स्टार्ट स्टार्ट कर दिया, कनेक्शन स्ट्रिंग दे चुके हैं, ऐप डॉट लिसन पे स्टार्ट भी कर चुके हैं। क्या नहीं किया है इसको, हमने कंपाइल नहीं किया है। ठीक, ये एक ब्रेक करता हूं और पहले यार्न बिल्ड करूंगा। ठीक, यार्न बिल्ड हो गया, अब स्टार्ट कर देते हैं यार्न स्टार्ट। ये स्टार्ट हुआ, बेहतरीन चल रहा है। चलिए क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन डन, रजिस्ट्रेशन डन, सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है जाकर के इससे। ठीक, अब और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो हमारी ऐप डॉट लिसन है, ये जो ऐप डॉट लिसन है ये स्टार्ट हो जा रही, मान लीजिए ये कनेक्ट हो ही ना रहा हो, ये कनेक्ट हो ही ना रहा हो तो क्या होगा, तो यहाँ नीचे आते हैं, ये चला होगा, थोड़ा सा रेस्पॉन्स देने में टाइम लगाएगा, यहाँ नीचे देख रहे होंगे ये कुछ प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ये इसने खराब कर दिया, हम फिर से कनेक्ट कर लेते हैं, फिर से चला देते हैं इसको, चल गया, थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं चलने के लिए। इधर ये तो बेहतरीन अपना चल ही रहा है, रजिस्ट्रेशन डन वगैरह आई रहा, रजिस्ट्रेशन डन, थोड़ी देर बाद ये एक एरर देगा हमें, रीजन है उसके पास एरर देने के लिए,
ये कनेक्ट हो नहीं पाएगा अभी। अभी ना हो पाने का रीजन हमें पता है, रीजन ये है कि जब भी कोई भी जगह है डेटाबेस वगैरह अलग से बने होते हैं, वहाँ आईपी वाइट लिस्टिंग होती है। आईपी वाइट लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? आईपी वाइट लिस्टिंग, ठीक, मतलब क्या हुआ कि उस सर्वर पर जो हमारा ये डेटाबेस का सर्वर है जहां ये चल रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट मारने का हक किसको है? तो यार आपको इसको डेटाबेस, इसको आप मल्टीपल लेवल पे सेफ्टी देंगे। अंदर यूजर नेम पासवर्ड की सेफ्टी है, आप अपने पास भी सारी सेफ्टी सिक्योरिटी लगाए। लेकिन अब जब मैं अपनी एप्लीकेशन कहीं चलाऊंगा, जैसे अभी हम लोकल होस्ट पे मेरा जो भी सिस्टम का आईपी एड्रेस होगा वहां चला रहे हैं इसको, कल को हम होस्ट कर देंगे AWS पे या कहीं हीरोकू पे, एक आईपी एड्रेस या कोई पाथ मिलेगा कि भाई यहाँ पर चल रहा है आपका सर्वर। मैं चाहता हूँ कि मेरे डेटाबेस पे जो रिक्वेस्ट आए वो पर्टिकुलर एड्रेस से आए, जो मैं बताऊं सिर्फ वहीं से आए। अब आपकी मर्जी, आप कहेंगे नहीं मैं कहीं से भी रिक्वेस्ट आए भैया आने दो, उसका भी ऑप्शन है, बट ऐसा होता नहीं। ठीक, मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर जगह से आए। अभी हमने कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर ली, बट आज मैंने सिस्टम रिबूट किया होगा तो आईपी एड्रेस लोकल आईपी एड्रेस है, चेंज हो जाएगा। जब सर्वर पर आप जाएंगे तो आप स्टैटिक आईपी लेते हैं जहाँ पे होस्ट करते हैं, तो वो चेंज नहीं होता, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। इवन कई जगह आप डोमेन से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि ठीक है facebook.com से इस डेटाबेस को कनेक्ट कर दो, तो सिर्फ facebook.com से आने वाली रिक्वेस्ट को सर्व करेगा। अब कोई स्क्रिप्ट चला चला करके बंदा चाहे कि सारे यूजर नेम और पासवर्ड में ट्राई कर लूँ तो नहीं होगा, पहले ही रिजेक्ट कर देगा, यूजर नेम पासवर्ड तो चेक ही नहीं करेगा क्योंकि अलाउड ही एक जगह से। तो ये आईपी वाइट लिस्टिंग है, मतलब ये एक दो तीन, ये जो आईपी है इसको मैंने यहाँ कहा भैया इसको अलाउ कर दो, सिर्फ इसी से रिक्वेस्ट लेना है, तो आपने इस आईपी को यहाँ क्या किया, व्हाइट लिस्ट कर दिया। ठीक, तो अब यहाँ अभी हमारी आईपी व्हाइट लिस्ट नहीं, अभी हमारी आईपी व्हाइट लिस्ट नहीं थी, हमने किया ही नहीं, हमने तो कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी की थी। तो क्या कर रहा है, ये एरर दे रहा है हमको, ये एरर दे रहा है। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली कि भाई अब मैं अगर इस यूजर को मॉडल बना भी लूं और मैं सेव करने की कोशिश भी करूं कि जाके डेटाबेस में सेव कर दे, तो ये करेगा नहीं, फेल हो जाएगा क्योंकि कनेक्शन हुआ ही नहीं है, कनेक्शन हुआ ही नहीं, पर सर्वर चल गया, पर सर्वर चल गया, सर्वर चल रहा है, रजिस्ट्रेशन डन, सर्वर चल रहा है। ठीक, देखिए रजिस्ट्रेशन डन, सर्वर चल रहा है, यानी कि हमारी एपीआई चल रही है जबकि डेटाबेस से कनेक्शन नहीं हुआ है। तो ये बड़ी खतरनाक सी सिचुएशन है ना, ना डेटाबेस में कुछ जाएगा ना आएगा, और आपका सर्वर भी नहीं बंद हो रहा है, वो भी चले जा रहा है, मतलब बंदे को रिस्पॉन्स भी भेज दे रहा है, डेटा भी ले आ रहा है, डेटा डेटाबेस में जा भी नहीं। इससे हमें इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, इससे हमें इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, हमें समझना पड़ेगा कि हाउ टू इंटरेक्ट विथ डीबी, है ना, एंड प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो अगर डेटाबेस ही फेल हो जा रहा है, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये ऐप डॉट लिसन का तो कोई मतलब नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि ऐप डॉट लिसन को लेके मैं जाऊंगा अंदर, और यहाँ याद रखूंगा कि एरर आ रही है, एरर आ रही है, तो मैंने कहा ठीक है कि भैया अगर कोई एरर आ जाए, अगर कोई एरर आ जाए, अब आपकी मर्जी, उसको बहुत तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अभी हमने लॉगिंग सिस्टम नहीं लगाया है ना, एरर राउट्स लगाए हैं, आगे लगाएंगे। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, थ्रो कर दो एरर, थ्रो कर दो एरर, या और थोड़ा तमीज से करना चाहें अभी के लिए तो कंसोल डॉट लॉग एरर, और यहीं से रिटर्न कर दो, कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, अब यहां तक पहुंचेगा ही नहीं एरर आने पर, तो अब हमारा सर्वर नहीं चलेगा, अब हमारा सर्वर नहीं चलेगा। और अगर ये हो जाए, अगर ये हो जाए, तो अब यहां पर अगर कॉल बैक पास कर दूं, कंसोल डॉट लॉग सर्वर कनेक्टेड, तो अब क्या होगा, अगर एरर आएगा, मतलब अगर मोंगो डीबी से कनेक्शन नहीं हुआ, तो फिर ये ऐप डॉट लिसन तक जाएगा ही नहीं, पहले ही रिटर्न हो जाएगा। अब आप इसको लॉक करेंगे क्या करेंगे, वो बात की बात है, तो यहां तक नहीं पहुंचेगा, ये वाली बात हमें समझ में आ गई, यहीं से रिटर्न हो जाएगा। ठीक, चलते हैं, बाकी हम थ्रो कर देंगे, नहीं रिटर्न करेगा तो, है कि नहीं, ब्रेक करते हैं, क्लियर करते हैं, और वापस से यार्न स्टार्ट चलाते, नहीं यार्न बिल्ड चलाएंगे,
क्लियर कर देते हैं इसको और यार्न स्टार्ट चला देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी तक रिस्पॉन्स आया नहीं, रजिस्ट्रेशन डन वाला क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सर्वर, जो भी इसको टाइम लगेगा डेटाबेस को अप होने में, कनेक्शन करने में, एक बार दो बार तीन बार कुछ हिट करेगा, फाइनली फाइनली चेक कर लेगा कि हाँ नहीं कनेक्ट होना है, उतना टाइम इसको चाहिए। ठीक, तो अब ये यहां से वापस कर देगा रिक्वेस्ट को। ठीक, तो अब उसके अप होने से पहले हमारा सर्वर नहीं चल जाएगा, तो ये भी सेफ्टी है। ठीक, डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ था अभी और हमारा सर्वर चल गया और हम रिक्वेस्ट लेते रहे, क्या हुआ? टाइम ले लिया काफी फैसला करने में। पढ़ के देखिए, ये तो याद रखिएगा आप, ये सर्वर नहीं कनेक्ट हुआ है, कुछ नहीं कनेक्ट हुआ, कोई रजिस्ट्रेशन डन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऐप डॉट लिसन को हमने उठा के रैप कर दिया है मंगूस कनेक्ट के अंदर, तो जब डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा तभी ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, नहीं तो नहीं स्टार्ट होगी। ठीक, एक तो ये सेव कर लिया हमने। अब पढ़ लीजिए क्या करा। Could not connect to any server in your MongoDB Atlas cluster. One common reason is you are trying to access the database from an IP that is not whitelisted. सबसे पहला रीजन इसको भी पता है कि यही होता है, बाकी IP whitelisting के लिए इसने दे दिया URL, पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलते हैं हम IP whitelist करके आते हैं पहले तो अपने। यहाँ network access है, ये रहा। ठीक, यहाँ गया मैं, edit करा, करंट आईपी एड्रेस ऐड किया और कंफर्म कर दिया। इसलिए भी कोई मत ट्राई करेगा क्योंकि आईपी वाइट लिस्टिंग भी नहीं है आपकी, तो आप यहाँ इसको एक्सेस कर नहीं पाएंगे। बाकी मैं पासवर्ड वैसे ही बाद चेंज कर दूंगा। इसको एक्टिवेट हो जाने देते हैं। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा वो एरर आना बंद हो जाएगी हमारे पास आईपी वाइट लिस्टिंग वाली, दूसरी कोई आएगी आएगी वो नहीं आएगी। ठीक है, ये एक्टिव हो गया फाइनली, ग्रीन सिग्नल दे दिया इसने हमें। चलते हैं वापस यहाँ पे, हमको बिल्ड तो कुछ करना नहीं है, जो बिल्ड हुआ है कोई चेंज नहीं किया उसने, उसी को चलाना है, चला दिया। ठीक, क्या मैसेज मिल गया? सर्वर कनेक्टेड, ये वाली कॉल बैक मिल कॉल हो गई जो यहाँ है, इसका मतलब कि यहाँ तक पहुंच गया, और यहाँ तक पहुंच गया का मतलब कि कोई भी एरर नहीं आया। अब चलते हैं यहां से, इसको सेंड करते हैं, रजिस्ट्रेशन डन डेटा आ रहा है। इस बार ये डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है, यानी कि अभी हमने क्या सीख लिया, डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है और कैसे इस एरर को हैंडल कर लेना है ताकि सर्वर कनेक्ट ना हो। ठीक, अब चलते हैं अगली चीज, हमारी मॉडल बनाएंगे। अब ये डेटाबेस आ रहा है तो इसको लेकर के जाना है, मॉडल में सेव कर देना है। डेटाबेस का नाम डिसाइड हो गया यहाँ से, वर्कशॉप डीबी। कलेक्शन, हमने बात की थी कलेक्शन की, कि कलेक्शंस होते हैं। ठीक, तो अब ये कलेक्शन का नाम कैसे डिसाइड होगा? दरअसल ये हम जितने ये मॉडल बनाते जाएंगे, यूजर का मॉडल बनाएंगे, क्विज का मॉडल बनाएंगे, ये जितने मॉडल होंगे ये सब अपने अलग अलग कलेक्शन बना लेंगे। कलेक्शन मतलब MySQL में जैसे टेबल्स होती हैं वैसे यहाँ कलेक्शन होता है। यूजर्स की एक टेबल होती, यूजर्स का एक कलेक्शन होगा, जो भी मैं यूजर भेजूंगा वो जाकर के इससे उसका नाम, ईमेल, पासवर्ड सब कुछ ऐसे सेव होता चला जाएगा, तो वो डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में ये सारी चीजें रख लेगा। तो चलते हैं हम अपना पहला मॉडल बनाते हैं। ठीक है, हम कनेक्शन तो कर चुके हैं, ये बात हमें पता, अब हमें मॉडल बनाना था यूजर का। सबसे पहले मंगूज यूज करने वाले हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इम्पोर्ट मंगूज फ्रॉम मंगूज। तो ये मिल गया हमें मंगूज। दो चीजें हमें और चाहिए होगी, एक चाहिए होगी स्कीमा और दूसरा चाहिए होगा मॉडल। स्कीमा का क्या मतलब है और मॉडल का क्या मतलब है? स्कीमा का मतलब ये है ठीक है, स्कीमा मीन्स उसके उसका आर्किटेक्चर समझिएगा, कि भाई क्या क्या फील्ड होंगी। आपने कहा यूजर नेम होगा, नाम होगा, आपने कहा ईमेल होगा, आपने कहा पासवर्ड होगा। ठीक, तो क्या क्या चीजें होंगी ये आ जाएगा हमारा स्कीमा के अंदर। मॉडल के अंदर क्या आएगा? मॉडल के अंदर आएगा नाम, कि किस नाम से टेबल रखना चाहते हैं। आपने कहा यूजर, तो अगर मॉडल का नाम यूजर रखेंगे तो टेबल बनेगी यूजर्स नाम से, प्लूरल फॉर्मेट में बनती है। भाई जिस टेबल में यूजर में यूजर्स रखेंगे
उसका नाम यूजर्स होगा टेबल का, और मॉडल का नाम यूजर होगा। तो ये बात भी याद रखिएगा कि टेबल का नाम हमेशा प्लूरल में रखते हैं, क्योंकि उसमें उस टाइप का डेटा होता है। जब खुद बनाते हैं तब भी रखते हैं, यहाँ आपको नहीं बनाना है, यहाँ आप यूजर नाम के मॉडल की टेबल अपने आप बन जाएगी। ठीक, ऐसी बाकी चीजों के साथ भी होगी। तो चलते हैं, सबसे पहले हमको क्या बनाना है, इसकी स्कीमा बनाना है। ठीक, तो चलते हैं इसकी स्कीमा बनाते हैं। सबसे पहले स्कीमा बनाने के लिए हमको स्कीमा चाहिए होगी। स्कीमा इज इक्वल टू मंगूज डॉट स्कीमा। mongoose.schema कैपिटल एस से था। ठीक, चलिए अब हम क्या बनाएंगे, ये स्कीमा रही इसकी mongoose की, और लास्ट में हमें मॉडल चाहिए होगा। जैसे मॉडल बना लेते हैं कि const model user is equal to mongoose.model। ठीक, तो ये इतना काम हम कर सकते हैं। मॉडल बनाते हो तब मॉडल का नाम आपको क्या रखना है, मान लीजिए हमने कहा कि भाई हमें मॉडल का नाम क्या रखना है, यूजर रखना है। ठीक, तो ये, और जब मॉडल बनाएंगे तो हमको ये स्कीमा देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम स्कीमा को प्रिपेयर करने जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है भाई यूजर स्कीमा बना दो, ये वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, ये मंगूज की स्कीमा हमें मिल चुकी है, इसी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू स्कीमा। इतने तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये जो यूजर की स्कीमा बन जाएगी, इसको यहाँ पे कॉमा लगाइए, लिख के आता है क्या पास करना है, स्कीमा पास करना है। और किस टाइप की है, मंगूज डॉट स्कीमा होनी चाहिए। ठीक, और दिख रहा होगा कि स्कीमा कैसी है, की वैल्यू पेयर में है सब कुछ। ठीक, तो हमें समझ में आ गया मंगूज डॉट स्कीमा, हमने मंगूज डॉट स्कीमा से एक स्कीमा बना लिया। ठीक, और इसका ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें यहाँ लिख लिख करके आती हैं। ठीक, अब ये जो स्कीमा बनाने वाले हैं, सारा खेल इस स्कीमा के अंदर है। ठीक, यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, क्या पास हो सकता है इस स्कीमा के अंदर, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट पास हो सकता है। क्या करेगा वो ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट बताएगा कि फील्ड्स कौन होंगी और उनका टाइप क्या होगा। ठीक, चलिए तो फाइनली हम स्कीमा बना रहे हैं, हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास करना है। ठीक, क्या क्या होगा इस ऑब्जेक्ट में, तो ये हम उस दिन सोच करके आए थे, हम वही चीजें डाल देंगे यहाँ पे। हमको याद है नाम होगा इसका, ठीक, नाम होगा यूजर का। अब यूजर का नाम कैसा होगा, सब क्लासेस लिखेंगे, स्ट्रिंग टाइप का होगा, कैसा होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक, फिर क्या होगा, ईमेल होगा, कैसा होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। फिर आप और क्या पूछना चाहते हैं यूजर से, कोई और डिटेल लेना चाहते हैं, आप उससे एज जानना चाहते हैं या कुछ भी, जो चीज अगर आप कहते हैं कि एज जानना है हमें, हमने कहा ठीक है लिख दो एज, नंबर टाइप की होगी। ठीक, लेकिन अभी हमको यहाँ पे कुछ चाहिए नहीं। ठीक, अगली चीज क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए। अभी क्विज वाली टेबल जब, क्विज का कलेक्शन जब बनाएंगे उसका मॉडल, उसमें नंबर वगैरह सारे टाइप हम देखेंगे ही, तो ऐसा नहीं कुछ बचेगा नहीं। ठीक, हमने कहा पासवर्ड होगा, किस टाइप का होगा, आपने कहा सर ये भी ईमेल होगा। तो ये तीन चीजें लेने वाले हैं, और तीनों हमने लिख दिया कि ठीक है, नाम स्ट्रिंग है, ईमेल स्ट्रिंग है, और पासवर्ड स्ट्रिंग है, बेहतरीन चीज। ठीक, चलते हैं, ये स्कीमा को हमने यहाँ पास ही कर दिया यूजर स्कीमा में, ये मॉडल बन गया। जब ये मॉडल बन गया है तो हम लिखेंगे, आराम से ठहरे रहेंगे और देखते चलेंगे, अभी इस स्कीमा की शक्ल काफी कुछ बदल जाएगी। ठीक, हमने कहा एक्सपोर्ट कर दीजिए, किसको, यूजर को। ठीक, आपने कहा ठीक है यूजर को एक्सपोर्ट कर देते हैं, सिंगल है तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, हमने कहा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये यूजर को एक्सपोर्ट कर दिया यहां से। ठीक, तो चलते हैं कंट्रोलर पे, पहले तो इस मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो आ जाए यहां पे इंपोर्ट यूजर फ्रॉम, कंट्रोलर के बाहर गए, मॉडल्स में गए और यूजर मॉडल। ठीक, इससे हमको ये यूजर मॉडल मिल जाएगा।
और अब ये हियर वगैरह जो प्रिंट किया हुआ था इसको हटा दे रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत हमें है नहीं। ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डेटा आ ही रहा है, प्रिंट करके देख रहे हैं, नाम, ईमेल और पासवर्ड सेम ऑब्जेक्ट है। ट्राई करके देखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। तो मैं यहाँ पर एक यूजर बनाता हूँ, कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर, यही यूजर है। कैसा बनाना है ऑब्जेक्ट, इस यूजर टाइप का। ये यूजर कौन है, ये हमारा मॉडल है। और मॉडल क्या करेगा, मॉडल डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, इसकी मदद से, मंगूज की मदद से। और मंगूज ऑलरेडी कनेक्टेड है, अलग से कहीं कनेक्ट करने की जरूरत नहीं। जब ये एप्लीकेशन अगर मेरी चल रही है तो मतलब कि मंगूज कनेक्टेड है, यानी डेटाबेस से कनेक्ट हम हो चुके हैं। ठीक, किस टाइप का डेटा सेव करना है, टेबल का नाम क्या होगा, वो सब कुछ ये डिसाइड कर लेगा क्योंकि आपने मॉडल क्रिएट कर दिया। मॉडल के अंदर डेटा कैसा जाएगा वो डिसाइड कर लेगा क्योंकि आपने स्कीमा क्रिएट कर दिया। सब कुछ तैयार है। अब चाहिए क्या हमें, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पास करें। ऐसे करेंगे नहीं बाद में, बट करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पास करें तो ये जाके इस यूजर में सेव हो जाए। तो क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो यूजर पे कोई ना कोई एक सेव मेथड होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, इतनी चीज है। ठीक, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, वो अभी उसको असिंक अवेट से सारी चीजें मतलब हैंडल करेंगे उसको। ये कंसोल लॉग हटा रहा हूं मैं यहाँ से, अभी रजिस्ट्रेशन डन भेज देता हूँ यहाँ से। ठीक, चलिए इसको रिबिल्ड करते हैं। देखते हैं पहले कि करने दे रहा है कि नहीं करने दे रहा है, नहीं करने देगा तो यहाँ पे भी प्रॉमिस को हैंडल करेंगे। ठीक यार, बिल्ड, यार स्टार्ट, चलते हैं पोस्टमैन पे, हिट करते हैं। ये रजिस्ट्रेशन जन डन जो रिस्पांस आया है, ये तो इसलिए आ गया क्योंकि हमने वहां लिख रखा था उसी तरीके से। ठीक, ये सेव हुआ कि नहीं हुआ डेटाबेस में, तो हम चलते हैं अपने डेटाबेस पर और ओपन करके देखते हैं कि ये रिस्पांस सेव हुआ है या नहीं हुआ। ठीक, ये हमने मंगूस का कंपास ओपन कर रखा है। कंपास क्या होता है, कैसे काम करता है, अलग क्लास में पढ़ा चुका हूँ, बाद में देखेंगे डिटेल, या लिंक दूंगा इसका भी। ये वर्कशॉप डीबी, ये लास्ट वाला दिख रहा होगा। ठीक, वर्कशॉप डीबी दिस वन। ठीक, खोल करके देखते हैं, इसके अंदर एक कलेक्शन दिख रहा है। ठीक, इंडेक्स क्या है सब बात बात करेंगे, तो वैसे भी मोंगो डीबी में बता चुका हूँ। ठीक, तो मैं ये क्लियर कर रहा हूँ सारी चीजें, चलते हैं वर्कशॉप डीबी खोलते हैं। एक यूजर्स नाम का कलेक्शन बनाया। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये कलेक्शन बना तभी होगा जब हम इसको हिट कर पाए होंगे, नहीं तो ये कलेक्शन बनता नहीं। खोलते हैं, ये साहिल, sahil@gmail.com और पासवर्ड में ये पासवर्ड। क्या हमने यही डेटा भेजा था जो डेटा यहाँ पहुंचा है? बिल्कुल सही, यही डेटा भेजा था। क्या कर सकते हैं, एक और नाम भेज देते हैं यहाँ से, आरुष का। ठीक, सेंड कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन डन। अभी इस मैसेज से कोई रिलेशन नहीं है, एरर आएगी तब भी ये मैसेज आ जाएगा, हमने कुछ बनाया नहीं है। ठीक, रिफ्रेश करते हैं कि आरुष का भी रिकॉर्ड आ गया है। ठीक, यानी ये काम करना शुरू कर चुका है डेटाबेस में, आज हमने रिकॉर्ड सेव कर लिया है। बहुत कुछ करना है अभी, तो पूरे पूरे पासवर्ड पे काम करना है, नहीं तो जिसके पास इस पासवर्ड डेटाबेस की एक्सेस होगी वो देख लेगा कि साहिल का पासवर्ड क्या है, आरुष का पासवर्ड क्या है, तो इनके रियल अकाउंट में लॉग इन कर जाएगा। ठीक, हम इसकी भी हैंडलिंग देखेंगे आगे चल के। अब और क्या क्या चेंजेस करने हैं, धीरे धीरे चलते हैं उन चेंजेस पे, थोड़े थोड़े आज इंप्लीमेंट करते हैं, चलते हैं मॉडल पे। अभी क्या है, अच्छा चलाता हूँ, एक कमी दिखाता हूँ, फिर वापस आते हैं इस पे। यार ने स्टार्ट कर दिया मैंने। अब क्या हुआ कि आकर्ष ने अकाउंट बनाया, लिखा आकर्ष, ईमेल एड्रेस दिया ही नहीं इसने अपना, ठीक, का नहीं भेजेंगे, और सेंड कर दिया, रजिस्ट्रेशन डन। चलते हैं रिफ्रेश करते हैं इसको, आकर्ष का भी आ गया, पासवर्ड आ गया, ईमेल नहीं आया। तो हमें इस चीज का भी ख्याल रखना है कि भाई ये जो डेटा भेज रहा है इसमें वो सारी चीजें होनी चाहिए। अब ईमेल एड्रेस हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक, रिक्वायर्ड है, ना आए तो डेटाबेस में रिकॉर्ड मत सेव करो, किसी काम का नहीं है ना,
नाम ना भेजे तो चल जाएगा, बट ईमेल और पासवर्ड नहीं भेजा तो हमारे किसी काम का नहीं है वो रिकॉर्ड। ठीक, हम चलते हैं वापस और अब देखते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, ये सिक्योरिटी कई लेवल पे लगती है, कई लेवल पे लगती है। जो फ्रंट एंड होता है हमारा, जो फ्रंट एंड होता है, मोबाइल एप्लीकेशन होगी, कोई और एपीआई कॉल कर रही होगी। दूसरा जो हमारा बैक एंड है, जो ये रेस्ट एपीआई हम बना रहे हैं। और तीसरा हमारा डेटाबेस है, जो ये NoSQL वाला डेटाबेस हम बना रहे हैं। हर जगह रोकते हैं, हर कोई खुद के लिए जिम्मेदार है। फ्रंट एंड वाला एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि भाई ये यूजर नेम मैंडेटरी है, ईमेल मैंडेटरी है, पासवर्ड मैंडेटरी है, नाम मैंडेटरी है, कम से कम ये चारों चीजें भेजना है। तो ये एक जब रिक्वायरमेंट लिखते हैं तो हम सबके बीच में एक टाई अप होता है। हम बात कर चुके होते हैं इस पे कि क्या मैंडेटरी है, क्या नहीं मैंडेटरी है, किसका फॉर्मेट क्या होगा, क्या स्ट्रिंग होगा, क्या न्यूमेरिक होगा, ये दोनों में तीनों में पूरी बात हो चुकी है। तो फ्रंट एंड भेजता है बैक एंड वाले के पास, तो ये जान रहा है कि इसने रिस्ट्रिक्शन लगाया है, बट किसी तरीके से अगर किसी ने स्किप कर दिया तो ये भी जिम्मेदार है। तो ये भी अपने पास वो सारी रिस्ट्रिक्शन वैलिडेशन इंप्लीमेंट करेगा। ठीक, हम इस बार ये वैलिडेशन भी कि ये वाली तो हम नहीं करने वाले, या हो सकता है एंड में मूड बन जाए तो कर लेंगे। तो हम यहां से हम काम कर रहे हैं बैकएंड से लेके डेटाबेस तक। तो हम अपनी रेस्ट एपीआई में हम भी अपने वैलिडेशन लगाएंगे कि भैया अगर ईमेल एड्रेस तुमने नहीं भेजा और भेजा तो ईमेल एड्रेस के फॉर्मेट में होना चाहिए, ये वाली रिस्ट्रिक्शन हम यहां लगाएंगे। ठीक, और यहां भी लगाएंगे। बट डेटाबेस भी कुछ चीजों के लिए जिम्मेदार है, जैसे ईमेल एड्रेस आ ही नहीं रहा तो हमने कहा भैया मत सेव करो, पासवर्ड भेजना भूल गया बंदा, हमने कहा मत सेव करो, ताकि अगर कोई इसको भी स्किप कर जाए तो भी जितनी पॉसिबल रिस्ट्रिक्शन है डेटाबेस पे वो तो कम से कम हम लगा दें। तो बहुत ज्यादा नहीं लगाते, फिर भी एक लेवल तक लगाई जाती। हम चलते हैं, पहले डेटाबेस वाली रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, फिर बैकएंड वाले रिस्ट्रिक्शन पे आएंगे। ठीक, अब यहाँ हम क्या करेंगे, या MongoDB में भी और यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते वक्त भी, जब भी कोई चीज डबल पास करनी है, मतलब अब इसके साथ सिर्फ स्ट्रिंग नहीं है, डिटेल्स देनी है, यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब इसका आप टाइप देंगे कि किस टाइप का होगा, हमने कहा स्ट्रिंग, और साथ में हमने कहा रिक्वायर्ड ट्रू। अब रिक्वायर्ड ट्रू हो गया, अब इसके बगैर इंसर्शन नहीं होगा। ईमेल एड्रेस के लिए भी हमने यही काम किया, हमने कहा भैया टाइप, हमने कहा स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक, पासवर्ड के लिए भी हमने यही काम किया, हमने कहा टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक, वापस से बिल्ड कर लेते हैं एप्लीकेशन को, देखते हैं कि कुछ एरर और एक्सेप्शन आती है कि नहीं आती है। ठीक, नहीं आएगी तो देखना पड़ेगा कि फिर क्या किया जाए। सेंड कर रहा हूं, ये रजिस्ट्रेशन डन पे मत जाइएगा, यहाँ आइए। इसलिए नहीं जाइएगा इस पे क्योंकि हमें पता है कि अभी ये तो बस एक मैसेज आ रहा है, हमने कुछ कंट्रोलर पर किया नहीं है। एक एक्सेप्शन आ गई, अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन वार्निंग। याद रखिएगा कि अब हम जो लेटेस्ट वर्जन पर काम कर रहे हैं, हर एक्सेप्शन को आपको हैंडल करना है, हर प्रॉमिस का रिजेक्शन आपको हैंडल करना है, ये वैलिडेशन आपको लगाने हैं। बट ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं लगाया है, आने दीजिए। यूजर वैलिडेशन फेल्ड, क्या हुआ, यूजर वैलिडेशन फेल्ड, ईमेल पाथ ईमेल इज रिक्वायर्ड। देख रहे हैं, ईमेल रिक्वायर्ड है, आपने यहां सेट कर दिया कि ईमेल रिक्वायर्ड है और आपने भेजा नहीं है। ठीक, तो ये चीज हमने देख ली कि भाई ये डेटाबेस की वैलिडेशन काम करेगी। चलिए चलते हैं, ये वाला आकर्ष का अकाउंट डिलीट कर देता हूँ, पहले तो पुराना वाला रिफ्रेश कर देता हूँ, दो ही अकाउंट हैं, मैं इसको वापस से रीस्टार्ट कर दे रहा हूँ और वापस से भेज के दिखा देता हूँ कि ये आकर्ष का डेटा अब यहाँ नहीं पहुंचेगा, अब यहाँ नहीं पहुंचेगा। लेकिन अब आपने कहा ठीक है, हम ईमेल दे देते हैं, ईमेल दे देते हैं akarsh@gmail.com। ठीक, सेंड कर दें। अब ये पोजिशनिंग वगैरह में वो हमें सर्वर रिस्टार्ट कर देंगे हम चल करके। सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग इंजेशन, क्या हुआ, ये यहीं से आ गई एरर, हमने ये नहीं लगाया था। ठीक, सेंड कर दिया, बेहतरीन, रजिस्ट्रेशन डन, आकर्ष का डेटा यहाँ मिल गया आपको। ठीक,
अब क्या हुआ कि आकर्ष का एक दोस्त था, समझदार आदमी था, उसने कहा हम भी आकर्ष के ही ईमेल से बना लेते हैं सेम पासवर्ड से, और बना लिया। तो क्या आकर्ष और आकर्ष के दोस्त का सेम ईमेल एड्रेस से अकाउंट मेरे सिस्टम में बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। इसको फ्रंट एंड पे आप नहीं हैंडल कर सकते क्योंकि डेटाबेस डेटा है कि नहीं नहीं पता। फ्रंट एंड सपोर्ट करेगा, फ्रंट एंड मतलब जरूरी नहीं कि एप्लीकेशन की बात करें, जो भी एक्सेस कर रहा है, कोई यूजर है, कोई सर्वर है, कोई एपीआई एक्सेस कर रहा है, कुछ भी। तो हमें बैकएंड में इस चीज को हैंडल करना पड़ेगा। तो वही सेकंड लेयर जो हमने बताया था बैकएंड, वहां पे पहले ही हैंडल कर लेंगे कि ईमेल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, चेक करके पहले ही बता देंगे, इतना ये एक्सेप्शन आने की नौबत नहीं आएगी। बट डेटाबेस इतना समझदार है कि हमारी इतनी मदद कर देगा कि ईमेल एड्रेस दोबारा नहीं लेगा। हमने कहा भाई यूनिक है, यूनिक है, हम चले अपने मॉडल पे। हमने कहा भाई ये जो ईमेल एड्रेस है ये यूनिक है, दोबारा कोई दे तो मत लेना। बिल्ड कर रहा हूं मैं इस प्रोजेक्ट को वापस से ब्रेक करके और स्टार्ट कर दे रहा हूं फिर से, और आकर्ष के इस दोस्त का रिकॉर्ड मैं पहले डिलीट कर दे रहा हूं। ठीक, रिफ्रेश कर दूं, तीन ही रिकॉर्ड है यहाँ पे हमारे पास, और वापस से इस दोस्त ने यहाँ से हिट करा। देखिए ये इस पे मत जाइएगा मैसेज पे, हमने कुछ किया नहीं है, रिफ्रेश कर ले रहे हैं। तो आकर्ष का दोस्त का रिकॉर्ड अभी भी आ रहा है, यहाँ हमने दिया है यूनिक ट्रू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी समय मेहनत ये करनी पड़ेगी पहले कि हम ना इस यूजर्स के इस जो ये मॉडल है, दरअसल मॉडल पहली बार जो आप बना देंगे तो आप मॉडल के बीच बीच में आप इस तरीके के चेंजेस नहीं करेंगे। इस मॉडल को मैं डिलीट कर रहा हूँ, इस मॉडल को मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर दिया। अभी आपको अपना डेटाबेस नहीं दिखेगा कि बिना किसी मॉडल के कोई डेटाबेस नहीं होता। हम वापस से इसको बिल्ड करके बनाएंगे, ठीक, ताकि मॉडल पहली बार बनेगा फिर से तो वो यूनिक इंडेक्स इन सबको पहचानेगा। आगे जा करके हम इसी ईमेल को इंडेक्स भी बनाएंगे तो वो पहचानेगा कैसे मॉडल। ठीक, तो यार्न बिल्ड और यार्न स्टार्ट। चलते हैं अब इसके पास में, आकाश के दोस्त कर रिफ्रेश कर लेते हैं इसको पूरा। आ गया वर्कशॉप बीबी, यूजर कलेक्शन आ गया और उसके अंदर आकाश का दोस्त है। अब आकाश का अकाउंट बनाते हैं सेम आईडी से, अब नहीं बनेगा ये। ठीक, क्या गलती की थी हमने, हमने कलेक्शन को आके डिलीट नहीं किया था, तो वो कलेक्शन का मॉडल ऑलरेडी बना हुआ था, मॉडल चेंज हुआ ही नहीं था। ठीक, चलते हैं देखते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन आई होगी, क्योंकि हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की हुई है अभी। मैं प्रिंट करके देखना है क्यों रिजेक्ट कर रहा है ये। The error was throwing inside of async function without a catch block. पूरी कहानी लिख दी इसने। ठीक, तो हम इसको यूनिक दे करके हम रोक सकते हैं कि कोई डुप्लीकेट ईमेल ना आए। तो किसी भी फील्ड को आप यूनिक भी बना सकते हैं सेम एज जैसे सीक्वल में करते थे। और नहीं पता सीक्वल, कोई दिक्कत नहीं, यूनिक मतलब हम समझ रहे हैं कि दूसरा ईमेल एड्रेस नहीं आएगा। साथ में मैं इसको इंडेक्स बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा इंडेक्स, हमको भी पता है कि ये जब यूजर नेम में हम ये ईमेल ले रहे हैं तो बार बार हम ईमेल से ही सर्च करने वाले हैं इस यूजर को, हर बार ईमेल लेकर के आएंगे, इसका यूजर फाइंड करना है तो ईमेल लाएंगे, हर जगह ईमेल लाएंगे। अगर कोई भी ऐसी फील्ड जिसको आप बार बार यूज करेंगे, बार बार एक्सेस करेंगे, तो उसको इंडेक्स बना दीजिए। तो MongoDB क्या करता है, पैरेलल में एक इंडेक्स तैयार कर लेता है, तो सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाती है। ठीक, ये इंडेक्सिंग भी होती है यहाँ पे। तो अगर हमने इंडेक्सिंग बनाई है तो अब हमें मालूम है हमें क्या करना है, हमें पहले यहाँ जाना है और ये अपना डिलीट कर देना है मॉडल। ठीक, सॉरी कलेक्शन डिलीट कर दिया। डिलीट करने का क्या फायदा हुआ कि अब नया मॉडल बनेगा जब हम हिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करूं, यार्न बिल्ड कर दूं, यार्न स्टार्ट कर दूं, चलूं अब यहाँ पे सेंड कर दूं, रिफ्रेश करूंगा तो मुझे पता है कि अब डेटाबेस मेरा यहाँ नीचे दिखेगा वर्कशॉप डीबी के नाम से, उसके अंदर यूजर्स कलेक्शन है। इस बार इसमें दो इंडेक्स दिख रही है, अगर आप देखेंगे तो हमेशा एक इंडेक्स दिखती थी। पहली इंडेक्स अंडरस्कोर आईडी होती है जो बाय डिफॉल्ट MongoDB आपके लिए बनाता है, ये इंडेक्स होती है। और ईमेल एक इंडेक्स इस बार आपने ऐड करी है, यहाँ पे दो इंडेक्सेस है हमारे पास। ठीक,
ये अंडरस्कोर आईडी, ये भी इंडेक्स होती है, बाय डिफॉल्ट मोंगोडीबी क्रिएट करता है, ठीक। बाकी ये आकाश का रिकॉर्ड आ चुका है, अब हम एक बार और भेजेंगे रिकॉर्ड। यहाँ पे अभी नीचे सर्वर कनेक्टेड लिखा हुआ है, हम रिकॉर्ड एक और सेंड कर रहे हैं सेम आईडी से। यहाँ पे हमको एक्सेप्शन दे दिया इसने, ठीक, और डेटाबेस में हमारे पास दूसरा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक। तो आज हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर लिया। कनेक्शन करने के अलावा हमने आज काफी कुछ देखा है, स्कीमा बना करके देखा है, ठीक। और इस स्कीमा में एक चीज बढ़ा लेते हैं, हमने कहा था क्रिएटेड एट अपडेटेड एट दो टाइम स्टैम्प जरूर रखेंगे, तो वो बार बार भेजने तो उसकी जिम्मेदारी अपने पास हम नहीं रखेंगे। क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भेज दें और टाइम स्टैम्प्स है, टाइम स्टैम्प्स इसको ट्रू कर देते हैं, ठीक। ये क्या करेगा, ये हमारे लिए क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट दोनों को खुद हैंडल कर लेगा। हमें क्या करना है, हमें जाना है यहाँ पे, अब हम जान चुके हैं कि हमें इसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक, और बिल्ड करना पड़ेगा वापस से। बिल्ड हो गया, यार्न स्टार्ट कर दें, चलते हैं, हिट करते हैं, आकर्ष को हिट किया है, आकर्ष वन को भी हिट कर दे रहा हूं ताकि ये बात याद रहेगी कि एक ही रिकॉर्ड किया है। रिफ्रेश कर लेते हैं, ये मिल गया कलेक्शन यूजर्स, ये एक ही रिकॉर्ड आया है, दो रिकॉर्ड नहीं आए, बाद वाला नहीं आएगा क्योंकि ईमेल डुप्लीकेट नहीं अलाउड है। अब देख रहे होंगे कि ये क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट का टाइम अपने आप इसने ऐड कर दिया है, टाइम जोन के साथ ऐड करता है, ठीक, पूरा आईएसओ स्ट्रिंग ऐड करेगा। तो अब इसकी क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है, ठीक, ये मॉडल ने खुद संभाल लिया, तो अच्छी बात है ना। अगर हमारे ऊपर होती तो हमें बहुत मेहनत लगती, हर बार टाइम कैलकुलेट करते, अपडेट करते, इंसर्ट करते, सारी चीजों से हम बच गए, ठीक। तब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। ये तो अपने नोट पे आगे काम करते हैं, ये बंद कर रहा हूं, ठीक। रजिस्टर यूजर पर चलते हैं, क्या कर रहा है, यूजर क्रिएट करके यूजर को सेव कर रहा है, नया यूजर बना करके यूजर को सेव कर रहा है। तो ये जो यूजर सेव हो रहा है, ये भी प्रॉमिस रिटर्न करता है, ये भी प्रॉमिस रिटर्न करता है। अब अगर आप पुराने तरीके से करना चाहिए तो यहाँ पर जा करके डॉट देन देन और डॉट कैश लगा करके काम कर सकते हैं, बट हम ECMAScript 6 का सिंटेक्स यूज कर रहे हैं। हम एक काम करेंगे, हम इसको पूरा असिंक्रोनस बना देंगे, ठीक, और यहाँ आगे आकर के इसके अवेट लिख देंगे, ठीक, और साथ में जो रिटर्न हो रहा है उसको कहीं रख लेंगे, ठीक। तो हमको देन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम असिंक अवेट यूज करेंगे डायरेक्ट, ठीक। क्या होता है, असिंक्रोनस फंक्शन के अंदर अवेट लगा सकते हैं। अब ये इस लाइन के आगे नहीं जाएगा जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए। तो जब ये रिजल्ट आएगा, जब ये रिजल्ट आ जाएगा, पहली बात तो ये भाई, ये रिजल्ट हमको मिले ही ना, कंसोल डॉट लॉग या ऐसे रिस्पॉन्स ही भेज देता है, रिस्पॉन्स परसेंट नो रिजल्ट फाउंड, ठीक, रिजल्ट ही नहीं मिला हमको कुछ भी। और दूसरी बात कि अगर आपको रिजल्ट मिल गया, दूसरी बात कि अगर आपको रिजल्ट मिल गया, दो चीजें दिख रही हैं हमें, ठीक, और तीसरी बात कि जो एक्सेप्शन आ रही है, जो एक्सेप्शन आ रही है हमारे पास, उसका क्या करना है। तो हम अभी यहाँ पे ट्राई कैश लगा लेते हैं, हम आगे जाकर किस एक्सेप्शन को अच्छे तरीके से हैंडल भी करेंगे, अभी तो बस करते चलेंगे ताकि हम कुछ पार्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद देखेंगे अंदर अंदर क्या क्या करना है। राइट क्लिक करके मैं इसको फॉर्मेट कर दूंगा डॉक्यूमेंट को, ताकि ये स्पेस वगैरह सब सही हो जाए, ठीक है। तो अब कोई अगर एरर आ रही है, कोई एक्सेप्शन आ जा रही है अगर, तो क्या करना है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तो कंसोल लॉक करा लू, यहाँ तो मैं कंसोल लॉक करा लूंगा उस एरर को, अपने पास लॉक कर लेंगे उस एरर को, लेकिन यूजर को क्या रिस्पॉन्स दूंगा। तो मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सेंड कर दूंगा रिस्पॉन्स, क्या लिख दूंगा,
लिख दूंगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग। यूजर को नहीं बताऊंगा ना कि कुछ डेटाबेस फेल हो रहा है या क्या हो रहा है, या देखेंगे कि क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। ठीक, यूजर को डेटाबेस से आने वाली एरर नहीं दूंगा डायरेक्ट, ठीक, क्योंकि वो भले डुप्लीकेट की एरर आ रही पर यूजर को हमें नहीं देना है, वो आगे जा करके हम देखेंगे कि हमें कैसे हैंडल करना है। ठीक, चलिए करके देखते हैं, कुछ चेंज किया है तो इसका क्या असर होता है, बिल्ड कर लेते हैं। सर्वर कनेक्टेड, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक, यानी अब ये तो क्लियर है कि मतलब कि इंसर्शन नहीं हुआ है। अब ये 200 ओके आ रहा है, अगर रिस्पांस देख रहे होंगे तो ये 200 ओके आ रहा है। रिस्पांस कोड चेंज कर दूंगा, यहाँ पे क्या डाल दूंगा स्टेटस में, 500। ठीक, ब्रेक कर दे रहा हूँ, बिल्ड कर दे रहा हूँ, स्टार्ट कर दे रहा हूँ, वापस से सेंड कर देता हूँ। 500 आ रहा है इंटरनल सर्वर एरर, पता चल जाएगा कि भाई सर्वर एरर है। ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग, बहुत बाद में जाकर के देखेंगे हम लास्ट में कि कैसे इस सिचुएशन को डुप्लीकेट वाली कैसे हम प्रॉपरली हैंडल करेंगे। सिर्फ ये श्योरिटी है कि डुप्लीकेट डेटा यहाँ नहीं आएगा, डेटाबेस डुप्लीकेट डेटा को नहीं लेगा। एरर क्या भेजना उसके लिए डेटाबेस जिम्मेदार नहीं है, बैकएंड जिम्मेदार है। ठीक, ये इतना हमें क्लियर हो गया कि अगर एरर आ रही है तो हमें क्या करना है। रिजल्ट नहीं आएगा, कोई बात नहीं, अब आ रहा है तो हम भेज रहे हैं रजिस्ट्रेशन डन। अब इसको हम थोड़ा तमीज से भेजते हैं रिजल्ट को। ठीक, अब तमीज से भेजना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि हम एक इंटरफेस अगर बना लें, एक इंटरफेस बना लें रिस्पॉन्स के लिए। कुछ रख लेते हैं इसका नाम, रिटर्न रिस्पॉन्स कर देता हूं। मैंने कहा इसमें कुछ चीजें फिक्स कर देंगे, जैसे कि हम कोई कोड भेज देंगे इसको, या एक स्टेटस रख लेते हैं, एक चीज भेजेंगे इसमें स्टेटस। क्या होगा ये, या तो सक्सेस होगा और या तो एरर होगा, दो चीजें होंगी इसमें स्टेटस में, या तो सक्सेस होगा या तो एरर होगा, इसके अलावा कोई स्टेटस नहीं होगा हमारा। फिर एक फील्ड होगी हमारी मैसेज की, मैसेज हमारी, मैसेज में क्या होगा हमारा स्ट्रिंग होगा। ठीक, और तीसरी आखिरी फील्ड होगी डेटा, डेटा ऑब्जेक्ट नहीं होगा हमारा, डेटा को हम एरे कर देते हैं। या ऑब्जेक्ट कर देते हैं, कोई नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, देख लेंगे जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से चेंज कर लेंगे। ठीक, तो अब जितने ये रिस्पॉन्स हम सेंड कर रहे हैं, हमारे रिस्पॉन्स एक तरीके के होने चाहिए। ठीक, तब तो हम जो हमारा अगला बंदा है जो हमारी एपीआई को कॉल कर रहा है उससे हम ये बता पाएंगे कि भाई तुमको किस तरीके का रिस्पॉन्स हैंडल करना है। ठीक, कि रिस्पॉन्स हमारा फॉर्मेट फिक्स होना चाहिए, रिस्पॉन्स का जो फॉर्मेट होगा फिक्स होना चाहिए ना। अब कभी मैं मैसेज भेजूंगा, कभी मैं इसमें डेटा भेजने लगूंगा, तो जो रिसीव कर रहा है उसको परेशानी होगी, वो कैसे समझेगा कि आप क्या भेज रहे हैं। ठीक, तो अब ये जो भेजने वाले हैं रिस्पॉन्स, एक काम करूंगा यहाँ पे एक रिस्पॉन्स को ऑब्जेक्ट बना लूंगा RESP, और ये किस टाइप का होगा, रिटर्न रिस्पॉन्स का। और ये बीच बीच में जो रिस्पॉन्स भेज रहे हैं इसको मैं नहीं भेजता हूँ, मान लीजिए नहीं भेजता हूँ। ठीक, यहाँ आकर के सेंड कर देता हूँ, या वहीं भेजता हूँ। ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ भेजना पड़ेगा क्योंकि सबका स्टेटस कोड आगे जा करके हम अलग अलग कर देंगे। ठीक, तो ये रिजल्ट आया, अगर रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला, अब हम रिस्पॉन्स भेजेंगे तो हमें रिस्पॉन्स बनाना पड़ेगा। अब फॉर्मेट हमने फिक्स कर दिया है, अब आप रिस्पॉन्स में क्या भेजेंगे, अब हमको पता है कि हमको ये तीनों फील्ड भेजनी पड़ेगी, स्टेटस, स्टेटस पे सक्सेस नहीं है तो एरर है, कॉमा,
मैसेज। अब ये भी श्योरिटी है कि ये जो मैसेज लिख रहे हैं वो मैसेज ही लिखेंगे, कभी एमएसजी और कभी मैसेज नहीं लिखेंगे। देखा, नो रिजल्ट फाउंड। वैसे यहाँ सिर्फ रिजल्ट पे नहीं, उसकी लेंथ पे भी चेक लगा लेंगे, नो रिजल्ट फाउंड का दे सकते हैं, बट कोई नहीं, नो रिजल्ट फाउंड। और तीसरी चीज, डेटा, कुछ जाए या ना जाए डेटा जाएगा। ठीक, अब ये रिस्पॉन्स आप भेज दीजिए। तो इससे ये श्योरिटी हो गई ना कि रिस्पॉन्स में ये तीन फील्ड होगी, तो फ्रंट एंड वाला जो भी हमारी एपीआई को कॉल कर रहा है वो श्योर है कि उसको स्टेटस पे चेक लगा लेना है, या तो एरर मिलेगा या तो सक्सेस मिलेगा, क्योंकि यही इंटरफेस उसको दे देंगे उठा के कि भाई हमने यही इंटरफेस यूज किया है रिस्पॉन्स के लिए। तो जान रहा है कि स्टेटस इन्हीं दोनों में से एक होगा, जहां उसको जरूरत होगी वो स्टेटस का चेक लगा लेगा। मैसेज में भाई उसको पता है कि स्ट्रिंग ही आएगी, और डेटा में उसको पता है कि ऑब्जेक्ट ही आएगा। ठीक, और बना लेते हैं। एक जगह पे इसलिए नहीं सेंड कर रहा हूं कि यहाँ 500 है, यहाँ 200 होगा, अलग अलग स्टेटस कोड होगा हमारा। यहां आ गए तो सक्सेस मैसेज, रजिस्ट्रेशन डन, अब डेटा में क्या भेजेंगे। दरअसल जब ये रिजल्ट वापस आ ही रहा है हमारे पास ऑब्जेक्ट आईडी रिटर्न करेगा ये डॉट अंडरस्कोर आईडी। ठीक, ये अंडरस्कोर आईडी है, दिख रहा होगा, लिखा होगा अंडरस्कोर आईडी, तो हम यहाँ पे भेज सकते हैं इसको, ये यूजर आईडी, ये रिजल्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। इससे क्या होगा, यूजर आईडी भेज देंगे उसको। ठीक, यहाँ पे भी काम हो जाएगा। अब चलते हैं नीचे वाले इस रिस्पॉन्स पे, क्योंकि सेंड तो हम अब हर जगह से यही करेंगे, रिस्पॉन्स ही सेंड करेंगे, यहां से भी भेजेंगे रिस्पॉन्स ही। तो अगर भेज रिस्पॉन्स रहे हैं तो अब हमें रिस्पॉन्स बनाना पड़ेगा। ठीक, और हम बदल नहीं सकते अब इसको, हमें ये चीजें, ये टाइप स्क्रिप्ट लगाने का क्या फायदा हुआ हमें कि ये चीजें फोर्सफुली फिक्स हो गई, मतलब हमने नोड जेएस में भी कर सकते थे ये काम, पर धोखे से कहीं गलती हो सकती थी, बट अब यहाँ कहीं भी गलती नहीं होगी। मैसेज आ गया कि समथिंग वेंट रॉन्ग रॉन्ग, और डेटा में डेटा चला गया आपका। भेज देंगे इसको। ठीक, बिल्ड कर लेता हूं वापस से। देखिए, ये यूजर सर्विस सबसे ज्यादा टाइम लेगी, क्योंकि हम एक एक चीज एकदम स्क्रैच से देख रहे हैं। अगली जो हम मॉड्यूल्स बनाएंगे, जैसे क्विज का होगा या किसी का होगा, वो जल्दी बनेगा। ठीक, इस पे टाइम दीजिएगा आराम से। चलिए, एरर समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक, अब अगर हम इसकी ईमेल आईडी चेंज कर दें तो रजिस्ट्रेशन स्टेटस सक्सेस मैसेज रजिस्ट्रेशन डन डेटा, ये रही यूजर आईडी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है, ये यूजर आईडी हमको मिल गई। ठीक, हम एक काम करते हैं, एक नया कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, न्यू कलेक्शन, और इसको रीनेम कर देते हैं, एडिट कर देते हैं, नहीं रीनेम करना है, रीनेम वर्कशॉप या क्विज क्लास कर देता हूँ, बाद में ये काम आएगा। और क्या करूंगा कि जो मेरा ये बनाते चलेंगे इसको यहाँ सेव करके रख लेंगे, आगे ये काम आएगा हमारे बार बार कॉल करने के लिए। तो स्टोर करके रखने की फैसिलिटी देता है पोस्टमैन हमें। जरूरत होगी तो बाद में पोस्टमैन पे अलग से पूरी क्लास कर लेंगे, जिसको जरूरत होगी उसके लिए, सबके लिए। रजिस्ट्रेशन, ठीक, रिक्वेस्ट का नाम दे दिया, अगर कोई डिस्क्रिप्शन देना है आपको, ठीक, दिस एपीआई विल यूज टू रजिस्टर यूजर, कुछ देना है रिस्पॉन्स, और अपने कलेक्शन का नाम दे देंगे आप, किसमें रखना है। ठीक, हमारा क्या है, क्विज क्विज क्लास, ये रहा क्विज क्लास, सेव कर दिया, इसमें सेव हो गया ये। ठीक, इवन और क्या क्या सेव कर सकते हैं, जैसे हमारा ये रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर जरूरत हो तो आप यहाँ से जाके सेव एज एग्जाम्पल कर दें, तो आप किसी को देंगे तो डबल क्लिक करके देख लेगा, अच्छा इस एपीआई को कॉल किया था, बॉडी में ये पास किया था, तो ये स्टेटस आया था, ये हमेशा के लिए एग्जाम्पल उसके लिए सेव हो गया,
रिक्वेस्ट, होस्ट, बॉडी और ये पूरा, ठीक। ऐसे एग्जाम्पल भी सेव कर सकते हैं। अब सेव हो गया यूजर, अब हमें क्या करना है, हमें इसका रिकॉर्ड गेट करके देखना है, इसको लॉग इन करा करके देखना है। अब हम चलते हैं और अपने आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन से राउट हैं। पोस्टमैन कलेक्शन एंड सेविंग एग्जांपल्स, और अब हम देखेंगे डिफरेंट राउट्स फॉर यूजर, फॉर यूजर मॉड्यूल। चलिए सबसे पहले चलते हैं राउट्स पे, देखते हैं, अब डिसाइड करते हैं कि क्या क्या राउट। अभी तो हमने देख लिया कंट्रोलर है हमारे पास, जा रहा है मॉडल में, सेव कर रहा है, सब कुछ इतना फंक्शनलिटी चलने लगी है। यहाँ पे हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग भी लगा लिया है। अब आपको यहाँ पे जो एक्सेप्शन प्रिंट होती हुई दिख रही थी, नहीं होगी। हाँ, अगर हम ये कंसोल लॉग में ये एरर ऑन कर देंगे तो वो एरर यहाँ लॉग हो जाएगी। कल को उसी एरर को हम क्या करेंगे, अपनी फाइल में रिडायरेक्ट कर देंगे, फाइल में लिख लेंगे, ठीक। तो देखेंगे उसको बाद में कि क्या करना है। अभी हमारा सबसे अगला टारगेट है कि हमारे यूजर के और कौन कौन से राउट होंगे। तो पहला तो गेट होगा। अगर गेट से यूजर को कॉल करते हैं और क्या भेजेंगे, यूजर आईडी, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, यूजर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। राउटर डॉट गेट स्लैश यूजर तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ स्लैश यूजर आईडी, ठीक। ये ऐसे पैरामीटर भेज सकते हैं इसमें, ठीक। इससे क्या होगा, ये इस बात को समझेगा कि यहाँ पे कॉलन यूजर आईडी यानी कोई वैल्यू आएगी जिसको वो इस वेरिएबल में रख देगा। और अगर मैं इसको कॉलन ना लगाऊं और डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट ऐसे लिख दो, तो सोचेगा कि ये यूजर आईडी एक वर्ड है, इस तरीके से लिखा होगा, और ये लगा दिया समझ जाएगा यूजर आईडी वेरिएबल है जिसमें इस जगह जो भी वैल्यू आएगी उसको मुझे इस वेरिएबल में लिख देना है। ऐसे पैरामीटर में डायनामिक वैल्यूज भेजेंगे आप, ठीक। हमने क्या देखा, डायनामिक पैरामीटर वैल्यूज, ठीक, कि किस तरीके से भेज करके सेव कर सकते हैं। चलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो अब हम इसके लिए फंक्शन बना लेते हैं इधर कंट्रोलर पर, ठीक। कंट्रोलर पर आ गए, यहां फंक्शन क्रिएट करना है हमें, कॉन्स्ट गेट यूजर, इसमें रिक्वेस्ट आएगा, रेस्पॉन्स आएगा। अब मैं ये नेक्स्ट बार बार नहीं लिखूंगा जब तक कि हमें इसकी जरूरत नहीं होगी यूज करने के लिए, बल्कि मैं यहां से भी इसको हटा दे रहा हूं, वही लिखेंगे जहां इसकी जरूरत होगी हमें, ठीक। चलिए एक गेट यूजर बना लिया हमने, और इस गेट यूजर को यही जो ये एक्सपोर्ट कर रहा है यहीं से एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ले जा करके यहाँ लिख देता हूँ, और ये ऊपर जो इम्पोर्ट कर रहा है यह इम्पोर्ट करवा लेता हूँ, ठीक। तो ये गेट यूजर से जा करके कनेक्ट हो जाएगा। चलिए अब गेट यूजर कॉल होगा, यूजर आईडी आएगी, कहां लेके पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, ठीक। अब हमारे पास जो हमारी बात है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो जो यूजर आईडी आ रही है वो आई कि नहीं आई और कैसे मिलेगी, तो मैं यहाँ कंसोल लॉग करा रहा हूं। देखिये रिक्वेस्ट की बॉडी हम देख चुके हैं, जो चीज बॉडी में आएगी वो यहां मिलेगी। दो चीजें और है जो आपको ध्यान रखनी है, पहला क्वेरी और तीसरा पैराम्स, ठीक। ये तीन चीजें हैं, तो मैं तीनों प्रिंट कर करके दिखा दे रहा हूं आपको कि तीनों में क्या क्या वैल्यू आ रही। देखिए गेट रिक्वेस्ट में बॉडी नहीं होती है, ठीक, रिक्वेस्ट की बॉडी में कुछ भेजते नहीं है गेट रिक्वेस्ट में, ठीक। तो अभी हमारे पास क्या क्या होगा, पैरम्स होगा और क्वेरी होगा, ठीक। ये बॉडी में अभी कुछ आएगा नहीं, पोस्ट रिक्वेस्ट में भेज के देख लेंगे, वैसे देखा हुआ है बॉडी आपने, क्वेरी और पैरम ये दोनों आपसे बचे हुए, ठीक। तो इन दोनों को प्रिंट कर लेते हैं और एक यहीं से रिस्पॉन्स अभी सेंड कर देते हैं कुछ भी लिख करके, ताकि रुके ना, चलता रहे। जब ये यूजर मॉड्यूल खत्म करेंगे तो उस दिन हम सीखेंगे कि ये जो मेहनत कर रहे हैं बार बार बिल्ड और स्टार्ट वाली, इसको किस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। सर्वर कनेक्टेड, ठीक, हमको एक गेट रिक्वेस्ट हिट करनी है यूजर के लिए,
चलते हैं इधर, गेट रिक्वेस्ट है, लोकल होस्ट 3000/यूजर, और क्या भेज देना था, एक यूजर की आईडी भेज देना था, तो मैं भी 123 लिख रहा हूँ ठीक, और ये सेंड करना था। तो ये डन रिस्पॉन्स तो आ रहा है, कंसोल लॉग क्या क्या हुआ, तो क्वेरी में कुछ नहीं आया। क्वेरी में क्या आता है, जब मैं यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा करके भेज दूँ, ऐसे यूजर आईडी इज इक्वल टू 456, तो ये क्वेरी में जाएगा क्वेरी, और ये जो यहाँ भेजते हैं ये पैरामीटर में जाता है। सेंड कर रहा हूँ मैं इसको वापस से, देखिए क्वेरी में क्या आ रहा, ये यूजर आईडी कैपिटल वाला आ रहा है जो 456 भेजा हुआ है, ये क्वेरी में आएंगी ये चीजें जो क्वेरी पैरामीटर भेजते हैं। जब आप डेट फिल्टर लगाएंगे या और भी क्वेरी फिल्टर लगाते हैं, पेजिनेशन लगाते हैं, उस टाइम पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे फॉर पेजिनेशन, फॉर डेट फिल्टर और फॉर अदर फिल्टर। बाकी जब ये आपको यूजर आईडी या कोई भी चीज डायरेक्ट स्लैश लगा करके भेजना है, अलग अलग दोनों के एप्लीकेशन से, तो वो पैरम से एक्सेस होगा। यानी कि अगर मैं रिक्वेस्ट पैरम पे ये यूजर आईडी, अब ये यूजर आईडी कहाँ से आई, ये क्वेरी वाली यूजर आईडी, ये तो आपने भेजा है यहाँ से, और ये वाली यूजर आईडी कहाँ से आई, यहाँ राउट्स पे आपने इसको वेरिएबल का नाम जो दिया है ये इसी नाम से ले लेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे आर टी आर टी लिख दू तो आर टी आर टी लिख के आने लगेगा ठीक। यानी रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट यूजर आईडी, ये है हमारे पास जो हमें चाहिए ठीक। इसको मैं ब्रेक कर दे रहा हूं, बिल्ड कर दे रहा हूं, स्टार्ट कर दे रहा हूं, वापस से हिट कर लेते हैं। देख सकते होंगे पैरम के आगे 123 आ गया, यानी ये यूजर आईडी हमें मिल गई है। क्वेरी में अभी कुछ नहीं आ रहा, देख चुके हैं कि क्वेरी कब काम करेगी। बॉडी तो हम ऊपर करके ही आए हैं, पूरा पोस्ट वाला बॉडी आप देख चुके हैं, यानी कि आपने तीनों चीजें देख ली। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में क्या होता है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में क्या होता है, स्पेलिंग गलत हो गई, पैरम्स में क्या होता है, और रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में क्या होता है, तीनों का अलग अलग यूज है ठीक। चलिए तो ये रिस्पॉन्स नहीं भेजेंगे हम, यहाँ पर हमें यूजर आईडी मिल जाएगी, तो हमने कहा कॉन्स्ट यूजर आईडी इज इक्वल, ये ले लिया हमने ठीक। तो ये यूजर आईडी मिल चुकी है और हमारे पास क्या है, यूजर का मॉडल है, तो अब हमें निकाल करके लाना है यूजर के मॉडल से डेटा, इस यूजर आईडी के सारा डेटा निकाल लेते हैं। अभी हमने कहा कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू यूजर डॉट फाइंड बाई आईडी, ये फंक्शन है बना हुआ मंगबूज का, फाइंड बाई आईडी में इस आईडी को भेज रहे हैं। अभी तो ये भेज रहे हैं ऐसे और ये यूजर निकाल ले रहे हैं, और क्या करना है, अवेट, और अगर यहाँ पे वेट करना है इसका तो क्या बनाना पड़ेगा, असिंक, नहीं बनाएंगे तो ये अवेट एरर देगा, क्योंकि अवेट को सिर्फ असिंक फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। तो और आपने क्या देखा, असिंक अवेट ठीक, अवेट को असिंक फंक्शन के अंदर यूज कर सकते। तो ये यूजर आ गया मेरे पास, अभी तो मैं इसको ऐसे भेज दे रहा हूं। दो तीन चीजें, पहली बात अगर यूजर नहीं मिला, अगर मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं आया तो, और अगर मिल गया तो ठीक, एक तो ये केस बना, और क्या केस बना, ट्राई कैच, ट्राई कैच, ट्राई में तो ये सारा कोड रहेगा हमारा कि भाई यूजर मिला नहीं मिला, और कैच में अगर एक्सेप्शन आएगी हमको पता है कि हमको क्या भेजना है, हमको पता है कि हमको क्या भेजना है। ये रिस्पॉन्स हमने ऊपर बना ही रखा है, यही रिस्पॉन्स हम यहाँ से उठा करके इस कोड में भी ले आते हैं, ताकि हमारा कोड एक तरीके से चलता रहेगा। और हमको क्या पता है, और हमको ये पता है कि अगर नहीं मिलता है तो मैं ये भेज सकता हूँ नो रिजल्ट फाउंड वाला रिजल्ट, ये कॉपी कर ले रहा ताकि अब ये चीजें जल्दी जल्दी होती रहेंगी ठीक। स्टेटस एरर नो यूजर फाउंड, नो यूजर फाउंड ठीक, और एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे तो रिस्पॉन्स इज इक्वल टू स्टेटस सक्सेस मैसेज। अब वैसे तो कोई मैसेज दू ना दू फर्क नहीं पड़ता, बट मैं दे दे रहा हूं यूजर फॉर्म और डेटा। अब यहां पे ये यूजर जो आ रहा है रिटर्न होकर के, ये भेजना है हमको
ये जो यूजर आ रहा है इसी को भेज देना है। अब ऐसे भी भेज सकते हैं, पर अब परेशानी यह है कि ये बात कैसे पता चलेगी। क्या गलती की मैंने, डेटा लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिख दिया यूजर, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ आता। ठीक, कि ये जो यूजर आ रहा है ये एनी टाइप का, तो डेटा में भेज रहे हैं। ठीक, तो अभी इस जगह पर आपको या तो ये बताना पड़ेगा टाइप कास्ट करके क्या ऑब्जेक्ट दे रहा है कि नहीं, या सेफ्टी के लिए आप इसको क्या करेंगे, डेटा को ऐसे यूजर में एक की पे यूजर भेज देंगे जो भी आ रहा है। या जरूरत पड़ेगी अलग अलग तरीके का डेटा है तो आप जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर सकते हैं ताकि कुछ भी आए स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। अभी के लिए हम चलाते हैं इसको। ठीक, एक लेवल तक आपने कर लिया, यूजर नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, आपने बता दिया। मिल गया तो क्या करेंगे, आपने बता दिया। एरर आई तो क्या होगा, एक्सेप्शन आई तो आपने बता दिया। बिल्ड कर लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। एरर, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक, क्यों एरर आ रही भाई, ये जो भेज रहे हैं नहीं सक्सेसफुल हो रहा होगा। समथिंग वेंट रॉन्ग, क्या एरर आ रही, एक्सेप्शन आ रही है। अब देखिए अभी हमें भेजना कौन सी यूजर आईडी, याद रखिएगा ये वाली भेजना है। बट मैं कह रहा हूँ कि चलो इस एरर को प्रिंट भी करके देख लेते हैं लगे हाथ। कंसोल डॉट लॉग, देखिए यही एरर है जो आपको पावर देगी, यही एरर है जो आपको पावर देगी, याद रखिएगा इस बात को। कुछ प्रिंट नहीं किया इसमें, कंसोल डॉट लॉग एरर। अच्छा, हम ये यूजर क्रिएशन वाली एपीआई कॉल कर रहे थे बार बार। हम वापस चलते हैं फेच वाली एपीआई पे और इसको कॉल करते हैं। अब ये वाली एरर प्रिंट करेगा, हम गलत एपीआई कॉल कर रहे थे। ठीक, यहाँ आ गए हम। अब देखिए क्या एरर दे रहा है, पाथ अंडरस्कोर आईडी, रीजन बीसन टाइप एरर। क्या है ये बीसन, पहले तो अब यही समझते चलते हैं। व्हाट इज बीसन, नया वर्ड मिला। तो दरअसल जैसे जेसन होता है वैसे बीसन होता है, फॉर्मेट इसका जेसन की तरह होता है बट ये बाइनरी होता है। ठीक, मतलब एक जेसन के फॉर्मेट को बाइनरी फॉर्मेट में, तो बीसन। ठीक, बस ये उससे डेटा थोड़ा मतलब मेमोरी में सेव होते वक्त स्पेस ज्यादा लेता है, तो मोंगो डीबी जो आपके डेटा को सेव करके रखता है वो बीसन के फॉर्मेट में सेव करके रखता है। ठीक, तो ये तो बात पता चल गई। अब आगे चलते हैं। आर्गुमेंट पास्ड इज मस्ट बी अ स्ट्रिंग ऑफ 12 बाइट और अ स्ट्रिंग ऑफ 24 हेक्स कैरेक्टर। क्यों ये एरर क्यों आई, कह रहा है कि भैया फाइंड बाय आईडी फंक्शन आपने यूज किया, फाइंड बाय आईडी फंक्शन आपने यूज किया यहाँ पे और पास किया एक आईडी। एक तो आपने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में पास किया, जब भी हम एग्रीगेट फंक्शन या दूसरी चीजें यूज करेंगे तो हम प्रॉपर इसको ऑब्जेक्ट आईडी में कन्वर्ट करेंगे। क्या है ऑब्जेक्ट आईडी, एक अलग डेटा टाइप है, ना ये स्ट्रिंग है ना ये नंबर है ना ये सिंबल है, एक अलग टाइप। ठीक, उस टाइप में पास करेंगे, कैसे करेंगे देखेंगे अभी। लेकिन फाइंड बाय आईडी में ये आपको स्ट्रिंग पास करने देता है कि आप डायरेक्ट पास कीजिए, खुद हैंडल कर लेता है उसको, ऑब्जेक्ट आईडी बना लेगा। बट क्या दिक्कत है, ऑब्जेक्ट आईडी देखिए मस्ट बी 12 बाइट, कम से कम 12 बाइट की होगी या कम से कम 24 हेक्स कैरेक्टर होंगे और आप क्या भेज रहे हैं 1 2 3 भेज रहे हैं, तो ये परेशानी आ रही है इसको। ठीक, तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ, चला लेता हूँ यार्न स्टार्ट। और इस बार क्या करता हूँ, चलता हूँ वहां पे पोस्टमैन पे और मैं ये यूजर रजिस्ट्रेशन से, अब गड़बड़ तो करी है यहाँ पे, आईडी पड़ी हुई थी वहीं से कॉपी कर लेता, मैं यहां से कॉपी कर ले रहा हूँ ये वाली आईडी, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और चलते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, और अब हिट करके देखते हैं। हाँ, याद रखिएगा कि आज हमने इसको व्हाइट लिस्ट नहीं किया, हो सकता है अगर आईपी चेंज हुई होगी तो दिक्कत होगी। देखते हैं, अभी ये हमें एरर दे रहा था 1 2 3 पे, जब प्रॉपर आईडी पास कर रहे थे खो जा रहा है। तो क्या हुआ है,
रिक्वेस्ट जा रही है और हमको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, रिक्वेस्ट जा रही है और हमको रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो चलते हैं अपने कोड में, देखते हैं क्या गलती की है। तो देखिए एक्सेप्शन आ रही थी तो रिस्पांस मिल रहा था, बट जब एक्सेप्शन नहीं आई तो रिस्पांस क्यों नहीं मिला। हमने यहाँ पे एक लाइन नहीं लिखी है रिस्पॉन्स डॉट सेंड वाली, ये लाइन लिख देते हैं ठीक। अब ये हमको रिस्पॉन्स भेजेगा ठीक, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वापस से इसको बिल्ड करना पड़ेगा, हम रिस्पॉन्स लिखना भूल गए थे। तो अगर सेंड नहीं करा तो वो अटक जाएगा, कहाँ जाएगा, कुछ भेज ही नहीं सकता ठीक। वापस से रिबूट करते हैं और इसको हिट करके देखते हैं, इसने आपको पूरा का पूरा यूजर रिटर्न कर दिया डेटा में, यूजर के अंदर। तो डेटा में अब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भेजेंगे या यूजर के अंदर भेजेंगे की पे, ये आपके और जो भी इस एपीआई को कॉल करे उनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम कैसे डेटा रिस्पॉन्स कैसे भेजेंगे, ये यूजर डायरेक्ट आएगा या डेटा के अंदर आएगा, ये सब कुछ डिसाइडेड होता है, आपस में डील करके तय किया जाता है ठीक। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मिल रहा है हमको रिस्पॉन्स में, हम ये चीज देख चुके हैं कि पूरा यूजर मिल रहा है। कैसे लेके आना ये फॉर्मेट आप डिसाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे ठीक। मतलब ये हमेशा डील करके डिसाइड होता है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है ये चीज ठीक। अब आपकी मर्जी, आप इसको ऐसे भेजते हैं या आप डायरेक्ट इस यूजर को ऐसे भेज देते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर ठीक। चेंज करना है यार्न बिल्ड, यार्न स्टार्ट, सर्वर स्टार्ट हो गया है, यूजर डायरेक्ट मिल गया। तो ये अंडरस्कोर आईडी जो है ये यूजर आईडी है, ये यूजर आईडी है, ये देखिए 34 भी सेम है, ये वाली और ये वाली आईडी, नाम आकर्ष है, ईमेल पासवर्ड क्रिएटेड एट अपडेटेड एट, सारी वैल्यूज आ रही है ठीक। तो अब इन वैल्यूज को अगर रोकना है तो एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोजेक्शन, मोंगोडीबी में पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से, थोड़ा सा बताता चलता हूँ कि किस तरीके से अगर आप नहीं चाहते कि इन वैल्यूज को भेजें तो क्या करना है हमें। तो हम देखेंगे प्रोजेक्शन क्या होता है ठीक। तो अब यहाँ पे मैं यूजर का डेटा निकाल रहा हूँ, फाइंड बाय आईडी में यूजर का डेटा निकाल रहा हूँ, यहीं पे कॉमा करके एक ऑब्जेक्ट भेजूंगा, एक ऑब्जेक्ट भेजूंगा और इसमें मैं फील्ड का नाम लिखूंगा जो जो मुझे चाहिए। जैसे मुझे ये नाम चाहिए, मैंने कहा नेम वन, नेम चाहिए, और क्या चाहिए मुझे, ईमेल चाहिए, मैंने कहा ईमेल वन। पासवर्ड मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी भी यूजर को उसका पासवर्ड फेच करके तो नहीं दूंगा ना, लॉगिन करते वक्त वेरीफाई करेंगे, ऐसे पासवर्ड दे देंगे यूजर को, क्लेम कर देगा हमारे ऊपर, कभी पासवर्ड निकाल के नहीं देते। अब ये क्रिएटेड एट अपडेटेड एट, ये आईडी रखनी है कि नहीं रखनी, नहीं रखनी तो फोर्सफुली रोकना पड़ेगा ठीक। फोर्सफुली नहीं रोकेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं कि इस चेंज से क्या फर्क पड़ता है और हमें और इसमें क्या क्या करना है। अभी यार्न बिल्ड, यार्न स्टार्ट करते हैं, देखते क्या क्या डेटा बचा, आईडी बची, नेम बचा, ईमेल बचा ठीक। ये आईडी नहीं लेनी होगी तो इसको फोर्सफुली रोकना पड़ेगा ठीक। आईडी मतलब ये अंडरस्कोर आईडी जीरो लिखना पड़ेगा वहां, बट ये तो हमें भेजनी है। यूजर फाउंड मिल गया है, सक्सेस का रिस्पॉन्स है, बेहतरीन, हमने प्रोजेक्शन लगा करके भी देख लिया है। मैं इस एपीआई को भी सेव कर रहा हूँ ठीक। यूजर गेट वही है वर्कशॉप, ये मत सॉरी क्विज क्लास एग्जाम्पल आपको सेव करना है तो आपको पता है कि आप सिर्फ यहाँ जाके क्लिक करना है और एग्जाम्पल सेव हो जाएगा ठीक। तो यूजर गेट भी कर लिया हमने, और क्या कर सकते हैं यूजर के साथ हम, तो गेट कर लिया है तो और एक चीज कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, सॉरी पुट रिक्वेस्ट भेजते हैं, यूजर को अपडेट करते हैं। तो अगर पुट रिक्वेस्ट पे यूजर को आप कॉल करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि उस यूजर को अपडेट करना है। सेम इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इस पोस्ट को क्या करता हूँ पुट, क्यों यूज करूंगा, अपडेट करने के लिए ठीक। रजिस्टर यूजर की जगह क्या हो जाएगा, अपडेट यूजर, यहाँ पे गेट यूजर के साथ साथ अपडेट यूजर भी ले लेंगे और यही अपडेट यूजर यहाँ बढ़ा देंगे एक्सपोर्ट करते वक्त। और अब बनाना है अपडेट यूजर, तो यहाँ आते हैं कॉन्स्ट अपडेट यूजर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट और ये कॉपी कर लेता हूं मैं, रिस्पॉन्स
ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट लगा दिया, रेस्पॉन्स लगा दिया, और ये अपडेट यूजर को हमने कॉल कर दिया है। ठीक, तो डेटा आएगा रिक्वेस्ट में जैसे आ रहा था। ठीक, अब अपडेट करना है हमें इस यूजर को। सबसे पहली बात कि अपडेट करने के लिए भेज रहा है तो ये हमको आईडी जरूर भेजेगा। अब दो तीन चीजें हैं, यहां से मैं कॉल करने जा रहा हूं तो मैं ये पुट लगा देता हूं, यहाँ लोकल होस्ट स्लैश यूजर, बॉडी में भेजूंगा डेटा जैसे पोस्ट में भेजता हूँ, जेसन फॉर्मेट में भेजना था यहाँ से जेसन लगा दिया। ठीक, क्या चेंज कर सकता है? सिर्फ अपना नाम चेंज कर सकता है अभी के लिए। भाई डेटा में हजार चीजें होती है, बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। हम मानते हैं कि सिर्फ अपना नाम चेंज कर सकता है और कुछ नहीं चेंज करने देंगे। ठीक, तो यानी कि अपना नाम भेजेगा अगर इसको चेंज करना है। हमारा यूजर सिर्फ इतना काम करते हैं, ब्यूटीफाई पे क्लिक करने पर ये सही हो जाएगा फॉर्मेट इसका। ठीक, यहाँ ये ब्यूटीफाई। तो अब ये आईडी और नाम दो चीजें आ रही, इस आईडी को तो चेंज करना नहीं है, इसके बेस पे चेंज करना है। सबसे पहले तो हमें ये आईडी से यूजर को निकाल लेना है। ठीक, तो अब रिक्वेस्ट की बॉडी में आईडी आ रही है तो यहाँ निकाल लेते हैं इसे। कॉन्स्ट यूजर आईडी इज इक्वल टू क्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, कैसे आ रही, अंडर स्कोर आईडी। और क्या आ रहा है? नाम आ रहा है। ठीक, तो नाम अभी इसी से डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल में लेके चेंज करना है तो भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक, अब क्या चाहिए? यूजर चाहिए पहले तो, जिसको चेंज करना है। तो मैंने कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू यूजर डॉट फाइंड बाई आईडी और यूजर आईडी भेजा। इससे मुझे वो पर्टिकुलर यूजर मिल जाएगा, हम पहले भी करके देख चुके हैं। ठीक, अब क्या करना है? इस यूजर का जो नाम है वो चेंज कर देना है मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, ये काम करना है मुझे। ठीक, ओके, ठीक। एक तो पहले मैं यहाँ अवेट लगा देता हूं, ठीक, ताकि ये वेट करेगा इसके रिस्पॉन्स के आने के लिए, और इसको मैं असिंक फंक्शन बना देता हूँ। ठीक, इसी वजह से दिक्कत हो रही थी इसको, क्योंकि यहाँ रुकता नहीं तो ये यूजर कुछ था नहीं, तो उस पे नेम था नहीं। अब ये जान रहा है कि भैया ये फाइंड बाय आईडी एक मॉडल से डेटाबेस में से रिस्पॉन्स आएगा, मंगूस का वो ऑब्जेक्ट होगा, उसमें नेम होगा। अब उसमें नेम होगा कि नहीं, इसके लिए आप जिम्मेदार है, आपको बना करके रखना है। ठीक, चलिए, इतनी चीज तो हमने देख ली कि क्या क्या हो जाएगा। ये यूजर मिल जाएगा हमें और उसका नाम हम चेंज कर देंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे? फिर हम कहेंगे यूजर डॉट सेव, वापस से उस पर वही चीज कॉल कर लेंगे और यहाँ लिख दूंगा अवेट। अब अगर ये यूजर सेव हो गया है, अगर ये सेव हो गया है तो ठीक है, कोई एक्सेप्शन आएगी तो क्या होगा? तो हमें पता है कि हम ट्राई कैश लगाते रहे हैं पहले भी, हम अभी भी ट्राई कैश लगा देंगे, और तो कोई बात, या तो सेव होगा या तो एक्सेप्शन दे देगा। तो ट्राई कैश लगा लेंगे, यहाँ इसको पेस्ट कर दिया मैंने, और कैच में आकर के हमें क्या करना है, हम इसको यहाँ से ऐसे कॉपी करने वाले हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, और हमको पता है कि उसके लिए हमें ये रिस्पॉन्स ऊपर से यहाँ से ऐसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। ठीक, ताकि ये रिस्पॉन्स अटैच हो जाए इससे, और अगर सक्सेस मिल गई, हमने सक्सेस का भी रिस्पॉन्स बनाया था, मैं वही कॉपी कर ले रहा हूँ, अब उस पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे लिखने में बार बार, ये सक्सेस का रिस्पॉन्स है, यूजर अपडेटेड, और डेटा में दरअसल कुछ है नहीं तो एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट भेज देंगे, क्योंकि अब जो यूजर की आईडी हमें आपने भेजी है, हम वही आपको क्यों वापस भेजें? या तो आप कहेंगे तो हम अपडेटेड यूजर आपको ये यूजर का ऑब्जेक्ट भेज देंगे, दो ही चीजें हैं ना, या तो ये यूजर का ऑब्जेक्ट भेज देंगे आपको, या तो कुछ नहीं भेजेंगे, आईडी आपके पास है बट ऑब्जेक्ट जब भेजना है तो वो गेट में ऑलरेडी भेज रहे हैं। तो अब ये अगर मतलब कहा गया कि नहीं अपडेट करके यूजर का ऑब्जेक्ट भेजो तो भेजेंगे, नहीं कहा गया है तो नहीं भेजेंगे। ठीक, तो ये इतना हमने करा, देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ से एक पुट रिक्वेस्ट बनाई है जो किसको कॉल करेगी, अपडेट यूजर को, और अपडेट यूजर में हमने क्या किया है, यूजर आईडी से यूजर फेच किया है, उसका नाम बदला है, उसको सेव कर दिया है। ठीक, चलते हैं करके देखते हैं। बिल्ड कर लें यार, बिल्ड यार स्टार्ट, गेट कर रहा हूं मैं यूजर को।
नाम आकर्ष है और ये सब कुछ है ही है, और यहाँ पे मैं नाम बदल दे रहा हूँ। थ्री सक्सेस यूजर अपडेटेड है, उसने कह तो दिया है, पर अब फेच करके देखते हैं कि सही में हुआ है कि नहीं हुआ है। चेंज हो गया है नाम, यानी कि अपडेट वाली फंक्शनलिटी हमारी बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि अगर जरूरत होगी तो बाद में सेम कलेक्शन दे दूंगा। यूजर अपडेट सेव कर दिया, एग्जाम्पल सेव करना आप सीख चुके हैं हम सब। सेव कर दिया एग्जाम्पल, यूजर का रजिस्ट्रेशन कर दिया, मतलब इंसर्ट हो गया, गेट कर लिया, फेच कर लिया, अपडेट कर दिया। दरअसल ना लॉजिकल डिलीशन होता है, तो मैं यहाँ पे डिलीट वाला इस पे नहीं लगाऊंगा, वो इस पे लगा लेंगे भले से, क्योंकि यूजर कभी भी अपना अकाउंट डिलीट नहीं करता, उसको हम सिर्फ डीएक्टिवेट कर देते हैं। वो डिलीट की क्वेरी कॉल करेगा, बट हम सही से उसको जाके डिलीट नहीं करते। ठीक, तो अब अगर ऐसा सही में करना है आपको कि ठीक है यूजर अगर अपने आप को डिलीट करे तो हम उसको डीएक्टिवेट कर दें, ठीक, तो हम कर सकते हैं, तब हम वो काम नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि हमारा पर्पज अपनी क्विज की एप्लीकेशन पहले कंप्लीट करना है। ठीक, तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है यूजर की लॉगिन। ठीक, कि यूजर लॉगिन कैसे करेगा।